राम राम। जय आरे वट करी है कि रहती है। चलो एनीवे, हेलो गाइस, एवरीवन वेलकम। यार शॉर्ट नोटिस पे हमने ये शॉर्ट अपनी करनी है स्ट्रीम, तो ज्यादा कोई आपका टाइम नहीं लूंगा। थैंक्स फॉर कमिंग एवरीवन यार। एंड मैंगो अपना आ गया, हर्षित, हिंदू विचारधारा, सनम, एवरीवन देयर, गाइस वेलकम। तो हाँ, आज हम अपने देसी एथियस्ट की एक स्ट्रीम देख रहे थे। चलो खुद भी उन्होंने मान लिया कि हम देसी एथियस्ट हैं, मान लेना चाहिए सच को। चलो यू नो बेबी स्टेप्स ही हैं, धीरे धीरे बंदे को मान लेना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है यार। तो बेचारों ने मान लिया, तो एंड क्या होता है कि भाइयों और बहनों, जो वैम है ना, वैम वैम का कोई इलाज नहीं होता। ये बंदे को हो जाए ना एक बार, फिर इसका कोई इलाज नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पाकिस्तान को ये वैम हुआ हुआ है। ये इनको लगता है कि जैसे हमको चार गालियां निकाल के इनको कोई मेडल मोडल, कोई नोबल प्राइज मिल जाना, कुछ नहीं मिलना मिलाना, ठीक है। और ये रह गए बेचारे, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी बातें, इनको मैं कई बार बता चुका हूँ मेरे भाइयों देसी एथियोस्ट, जो ये मार्केट है इंटरनेट पे, जो बंदा पाकिस्तान को गालियां देगा उसको इंडियन सुनेंगे, जो इंडिया को गालियां देगा उसको पाकिस्तानी सुनेंगे। इट्स ओपन मार्केट। आपसे अगर हमने आपके पास जाके सुन के मजे, मतलब मजे ही लेने हैं, मजे तो यार इतनी इतनी वीडियोस लोग आजकल डालते हैं, आधा आधा मतलब 10-10 मिनट की, उसके 1,500 व्यू हो जाते हैं एक दिन में, 1.5 लाख व्यूज। एनीवे बैक टू द पॉइंट, आई वाज लिसनिंग वन ऑफ देम, यू नो द ग्रेट इंटेलेक्चुअल डिबेट। तो वहां पे उन्होंने एक पोएम पढ़ी, पहले उसको सुन लेते हैं, फिर तो हम पोस्टमार्टम तो करेंगे। बिफोर दैट, हैरी साहब, आपकी हम वीडियो यूज करने वाले हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, ठीक है जी, नाराज ना हो तू भरावा। तो हियर वी गो। एक हमारे ह्यूमन बींग जी ने क्या, वो उन्होंने पोएम पढ़ी, हो बस जन्नत के दर्शन हो गए आज। कोई बात नहीं यार, शांति रखो मेरे भ्रावो एंड भैनो। राइट, हमारे ह्यूमन बीइंग जी ने क्या बढ़िया पोएम पढ़ी, मजा ही आ गया। आप भी सुनो, पूरे जमाना नजम लिखी थी फहमीदा रियाज ने, वो हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी, यानी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पढ़ी गई थी। वो क्या थी, तुम बिल्कुल हम जैसे ही निकले, यानी फहमीदा रियाज शिकायत कर रही है इंडियन सनातनियों से या भक्तों से, तुम बिल्कुल हम जैसे ही निकले, सुने बड़ी मजे की है, तुम बिल्कुल हम जैसे ही निकले, जहन में तस्वीर करें सामने आपके भक्त भाई बैठे हैं और हम शिकायत कर रहे हैं। हाँ 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 वाह 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 भाई जबरदस्त, हाँ हम बैठे हैं एक तरफ खादम हुसैन रिजवी, दूसरी तरफ अब लगा ले कौन, चले बकवास करता दीक्षित जी, उनकी टाई मुझे बड़ी पसंद है, छोड़े संजय दीक्षित उस लेवल के नहीं है, उतना खैर योगी आदित्यनाथ को कह सकते हैं, ये योगी आदित्यनाथ ये अभी जो मैंने आपको दिखाया था मौलवी, ये हिंदू मौलवी दिखाया था, वो कह रहा था जो उनके जहाज तैयार कर रहा, अच्छा एंटी जहाज। ये नजम अगर पसंद आए ना, नजम ना पसंद आए पैसे वापस सुने, अब मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, सुनी हुई है मैंने, बहुत प्यारी। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो गामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, यानी मुसलमान, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसने हमने जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची दवारे तो हारे, अरे बधाई हो बहुत बधाई, प्रेम धर्म का नाच रहा है, सुने प्रीत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन ताराज करोगे, तुम भी बैठे बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवे जारी, होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटोगी, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिल बन के गुन गाना,
आगे गढ़ा है ये मत देखो, वापस लाओगे क्या वो जमाना, मश करोगे तुम आ जाएगी, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना, यानी हिंदू सिविलाइजेशन ना, ध्यान न दूजा मन में आए बस पीछे ही नजर जमाना, एक चाप सा करते जाओ बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, अगेन सिविलाइजेशन पे अटैक किया उसने, कैसा वीर था महान था भारत, कितना आलीशान था भारत, बहुत, बहुत ज्यादा। तुम लोग पहुंच जाओगे पस पर लोग पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्टी विट्टी डालते रहना। वाह वाह, ये मुझे ये बताया, ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो हमारे जहन में बातें कर दी, ये प्रोफेटिक है, ये कब लिखी इन्होंने ये, ये यार काफी साल पहले लिखी थी जब इंडियंस ने इनको शिकायत हुई थी, फहमीदा रियाज ने फिर शिकायती ये नज़म लिखी है, और शोरा आफाक नज़म है बहुत, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये भक्ति का जो राइट, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं बैकग्राउंड इसकी क्या है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि एक इनकी शायरा थी जो पैदा भारत में हुई थी, फिर पाकिस्तान गई थी, वहां से धक्के मार के उसको निकाल दिया था, इंडिया ने उसको सालम दी थी, 7 साल वो इंडिया में रही थी कांग्रेस के राज में, फहमीदा रियाज उन्होंने लिखी है। अभी उन्होंने पूछा कब लिखी, कब लिखी, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, चलो 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 सुन लो, सुन लो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो रिवाइवलिज्म जो है ये, ये दो हमें खैर अब पता चला, लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये इन्होंने कब लिखा, क्योंकि जब ये नेक्स्ट जिससे बिफोर बीजेपी अराइवल इन 99 कांग्रेस की एक और तरह की उनकी एक सेकुलर, उन्होंने वेस्टर्न से इंप्रेस थी, सॉरी सोवियत यूनियन से बड़े इंप्रेस थे, वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था उनका, वो इतना ये नहीं थे कि हम यू नो पुरानी चीजों पे इतना वो नहीं लेते थे, तो ये मैं ये सोचना चाह रहा हूँ इन्होंने 90s में तो नहीं कहा होगा ऐसा नहीं, और ये पार्लियामेंट में पढ़ी गई है, इंडियन पार्लियामेंट में नजम पढ़ी गई थी, मे बी कांग्रेस के दौर में पढ़ी होगी, बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। Wow, this is very nice. ये तीनों इसको ना लहदा से इसका डालना भक्त वर्ष हिंदू सिविलाइजेशन ना, ध्यान ना दूजा मन, हॉलीवुड एक प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी कि या तो वो भक्तों के आगे लेट जाए और उनके साथ मिलके ना, हिंदू सिविलाइजेशन ना, ध्यान ना दूजा मन में आए बस पीछे ही। द रीजन आई स्टॉप्ड क्योंकि इन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस के जमाने में ही पड़ी होगी, बीजेपी के जमाने में तो मुमकिन ही नहीं है, बट मेरे सेल्फ क्लेम इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी एथियस भाइयों और बहनों, ये बीजेपी के टाइम पे पड़ी गई थी, 1996 व्हेन अटल जी हैड अ पावर फर्स्ट टाइम, तब इनके मन में विचार आया कि ये तो हमारे जैसे बन रहे हैं। अभी तो पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, आगे देखो। नजर जमाना, एक चाप सा करते जाओ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उन पे 10 charges लगे थे उनको, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना, अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्टी विट्टी डालते रहना। वाह वाह, ये मुझे ये बताया, मैं ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने जो हमारे जहन में बातें कर दी, ये प्रोफेटिक है ये कब लिखी इन्होंने ये, ये यार काफी साल पहले लिखी थी जब इंडियंस ने इनको शिकायत हुई थी, फहमीदा रियाज ने फिर शिकायती ये नज़म लिखी, और शोरा आफाक नज़म है बहुत, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो रिवाइवलिज्म जो है ये दो हमें खैर अब पता चला, लेकिन ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये इन्होंने कब लिखा, क्योंकि जब ये नेक्स्ट जिससे बिफोर बीजेपी अराइवल इन 99 कांग्रेस की एक और तरह की उनकी एक सेकुलर, उन्होंने वेस्टर्न से इंप्रेस थी, सॉरी सोवियत यूनियन से बड़े इंप्रेस थे, वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट था उनका, वो इतना ये नहीं थे कि हम यू नो पुरानी चीजों पे इतना वो नहीं लेते थे, तो ये मैं ये सोचना चाह रहा हूँ इन्होंने 90s में तो नहीं कहा होगा ऐसा नहीं, और ये पार्लियामेंट में पढ़ी गई है, इंडियन पार्लियामेंट में नजम पढ़ी गई थी, मे बी कांग्रेस के दौर में पढ़ी होगी, बीजेपी में पॉसिबल नहीं है। Wow, this is very nice. ये तीनों इसको ना लहदा से इसका डालना भक्त वर्सेस मोमिनीन अ प्रोफेटिक पोएम, ये इसको तीनों इसकी लहदा से डालना, ये तो भक्तों को ठका ठक कर देगी, आपकी डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, टाइमिंग बड़ी अच्छी है आपके साथ।
सर मैं इमोशनल हो गया था वाकई, क्योंकि मुझे प्यार भक्तों से भी है यार, इंसानियत, हम तो इंसानियत की बात करते हैं, आई रियली वाज इमोशनल के वाकई ये बात सही है। नफरत करते हैं हम इनसे, प्यार ही करते हैं इनको, इनको पता अच्छा है। इंडिया से इनको एक्साइल किया गया था, मैं भी इनका पढ़ रहा हूँ विकिपीडिया पे, फैमिली वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है वो इंडिया से एक्साइल ही हुई थी, एक्साइल पाकिस्तान से हुई थी, पता इसको पता लग जाएगा, इनका इंटेलेक्चुअल देखना अभी थोड़ी देर में, प्लीज जस्ट बेयर विद मी गाइस। फहमीदा रियाज का, फहमीदा रियाज वाज फेस विद चैलेंज ड्यू टू हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उन पे 10 चार्जेस लगे थे उनको, फिर पाकिस्तान से आई थिंक निकाला गया था जिया के दौर में, फिर शायद ये इंडिया में इन्होंने पना ली होगी इनका बट, लेकिन शी इज वेरी फेमस। ये सफा शेख कह रहे हैं तो हारिस, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट तस्लीमा नसीन, शी हैड राइटली, उन्होंने सही मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया लेकिन उनके बायसेस हैं हिंदूज की तरफ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे नहीं पता उनके क्या बायसेस हिंदुओं की तरफ है, क्या मतलब उन्होंने भक्तों को उन्होंने भी बुझा दिया तो फिर क्या बायस तो उनका भी बिचारी के, हर एक्स मुस्लिम जो है ना जिसको इंडिया में बड़ी पसीराई मिलती है उसकी एक जमाने में उसके सामने एक चॉइस आती है कि या तो वो भक्तों के आगे लेट जाए और उनके साथ मिलके ना ठगा ठग शुरू कर दे, अपना जमीर बेच के ना, अपने अपनी जहनी गलत हो सकते हैं हम लेकिन अपनी जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को बेच के ना उनके साथ मिल जाए। मेरा ख्याल हर बंदे के सेल्फ क्रिटिकल पाकिस्तानी के अंदर ये एक चॉइस आती है, वो हमें पता है कुछ लोग अपने आप को फिर बेच देते हैं भक्तों के आगे। लेकिन एक चीज सोचने की है इसमें बात कि फहमीदा रियाज के साथ ऐसा क्या किया होगा भक्तों ने इनको ये नज़्म लिखनी पड़ी शोरा आफाक, देयर इज सम रीजन ये ना जो हम फेस कर रहे हैं कि वो बात करती थी इंसानियत की, उन्होंने देखा होगा ना, उन्होंने उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा होगा कि चूंकि एक तो हम देखें हमें 90s में बॉलीवुड, हमें इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट था, बॉलीवुड एक प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी, कलरफुल रंग दे बसंती, यू नो गाने चल रहे हैं, एक बड़ी फहमीदा की, मुझे फहमीदा किसी ने मैसेज भेजा, फहमीदा ने ये नज़्म 8 मार्च 2014 को लिखी थी। यार ये गालिब का गूगल और इंफॉर्मेशन पे जाने की कभी नहीं चली, इसको किसी ने भेजा मैसेज की 2014 में लिखी है तो मान गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो अपनी फहमीदा रियाज जी थी ना, इनको ये भारत में जन्म लिया, राम राम मनीष जी, भारत में जन्म लिया, फिर अपने पिताजी के अब्बा जी के साथ ये पाकिस्तान चले गए उनको बनाने के लिए कि उसको सेट करना, पहले तो जिन्होंने उनका एजुकेशन सिस्टम सेट किया सिंध में, सिंधी निकाली उर्दू डाली, फिर इनको छितर पड़े फहमीदा रियाज जी को, फिर ये भाग के आ गई इंडिया असालम के लिए, जैसे ये करते ही हैं, इट गोज विदाउट सेइंग। तो वहां पे ये भारत में रहे कांग्रेस के जमाने तक फहमीदा जी, फिर इनको वापस ले लिया जब हमारे जिया होल जो भी था उसका नाम वो गया, तो बेनज़ीर भुट्टो आई तो इसको वापस ले लिया। फिर 96 में हमारी अटल जी की सरकार बनती है, पहली बार पावर में आते हैं तो इनके जज्बात जाग जाते हैं 96 में, 96 में ये बकवास करती हैं कि आप तो हमारे जैसे ही निकले, अब आपका भी बुरा हाल होगा। द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो गाइस, ये जो बकवास करते हैं ना, ये जो बोलते हैं, ये आज नहीं बोल रहे, ये आज से 36 साल पहले बोल रहे थे। एंड इफ यू कंपेयर टू इंडिया 1996 टिल 2021, ये फहमीदा जी की अगर ये भविष्यवाणी सही होती तो हम तो हमारे तो आज 32 टुकड़े हो जाने थे, हुए नहीं ना। ये इनकी विश है, ये इनकी अंदरली इच्छाएं हैं कि इनके साथ ऐसा हो। दैट यार एथिज्म इंटेलेक्चुअल इनके इनके आस कभी नेड़े नहीं निकले होना, निकल भी नहीं सकता, नहीं निकल सकता, उसका ये लेवल ही अलग होता है। लेकिन आपने को किसी चीज को आइडिया को चैलेंज करना या कुछ करना ना, इट्स दैट्स व्हाई वी कॉल देम दिस एथिस्ट, लाइक यू नो दे लाइक नाउ दिस इज देयर विश। ये जो इनकी फहमीदा जी 96 में कह के गई हैं कि आप तो हमारे से हो गए हो, ठीक है आपका भी बुरा हाल होगा, हमारा तो हुआ नहीं। इंडिया स्टिल राइजिंग, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी गॉट टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड इन इंडिया, आर पीपल आर बेस्ट सीईओस ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, वी कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस, वी इवन डेवलप आर कोविड वैक्सीन, वी इवन रीच टू मार्स, वी रीच टू मून, वी फाउंड वाटर ऑन द मून, how many people are coming out from poverty, right? And none of the Indian in the world at the minute is a asylum seeker. अब क्या करें, इनको यार दवाई भी दो, वैक्सीन भी दो,
इनकी ये इसको सही कैरेक्टर, इसको नार्सिसिज्म इसको कहते हैं, पल्ले नहीं दाने आगे की कमा तो पल्ले नहीं दाने तक की करू है। सो गाइस आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, यू नो वी नीड टू बी इंटेलेक्चुअल गाइस, इट्स नॉट अ फन, इट्स नॉट अ जोक, लाइक यू नो पीपल लाइक देम नेवर रेड अ बुक, नेवर रेड अ फिलोसफी, साइंस का भी इनको टकेगा नहीं पता। पहले ये कॉन्शियसनेस को रॉबर्ट में डाल रहे थे, नहीं डाल रहे थे, ये डाल रहे थे, एक साल पहले डाल रहे थे कॉन्शियसनेस जब रॉबर्ट में जाएगी तो घूम के बाहर आएगी। ये इनका अप्रोच ही गलत है। आप भाइयों अगर आप कभी सुने और आपका कोई टीम मेंबर सुने, लाइक यू नो खुफिया बंदा कभी सुने, ये आपके लिए एडवाइस है। आपको बोलना वो चाहिए जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, जो आपका दिल कहता है, व्हाट मेक्स सेंस टू यू। इट डजंट मैटर हु गोना बी हैप्पी विद दैट, हिंदू से क्रिश्चियन बोल, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके भाई का भी चैनल है, बात है, हम वो बोलते हैं जो हमारा दिल और दिमाग कहता है, हम नहीं बॉदर बुदर करते हैं, कोई जो मर्जी सोचे उसकी मर्जी है। अब इनको प्रॉब्लम है, वो कहते हैं तारिक फतेह ने अपना जमीर भेज दिया, लाइक इट्स ओपिनियन। ये बेचारे हमारे देसी एथियस्ट, इस्लाम तो इन्होंने छोड़ दिया है काइंड ऑफ, बट वो जो माइंड सेट है ना, मानसिकता नहीं बदली है। वो हर किसी को फतवा दे के कभी कुछ कह देंगे यू आर बिगेट, किसी को कह देंगे आप रैशनल थिंकर नहीं रहे, आप भगत हो गए हो, आप मुल्ला हो गए हो यार मेरा थोड़ा गला भी खराब है। तो जो काम हमारे मौलाना साहब करते हैं वो तो आप कर ही रहे हो, आप तो सर्टिफिकेट था ठप्पा लाके, ओ तू रैशनल थिंकर आओ, तू नहीं है, तू जा तू भगत नहीं है, तू भगत है, तू एथियस्ट पक्के वाला नहीं है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं आपको? What's the difference? Now I am asking you guys, what is the difference between you and a mullah sitting in a mosque? What's the difference? वो भी सबको certificate ही मानता है जो आप बांट रहे हो। तू बिगड़ आवे, तू फिर thinker नहीं है, तू अब atheist नहीं रहा, अब scientific थे। यार मेरा गला। और ये कहते हैं कि हम इनको सुन के सड़ते, और पागलो मजा मेरा ये जितना कान फट रहे, मैं इतना हंसना चाहता हूँ ना, like you know, यार खून हमारा, हम मजा लेने भाइयों, हम वहां पे फन के लिए जाते हैं, ठीक है ना। हमारा आप जो मर्जी बकवास कर लो, एक भी योगा स्टूडियो बंद हो गया दुनिया में, नहीं हुआ, रोज नहीं खुलते हैं। वेस्ट में जितने भी योगा टीचर हैं, क्योंकि हम तो इंडियन वो काम करते नहीं ना, क्योंकि उसमें पैसे बड़े कम है। क्या आप एक योगा क्लास लगाओ, क्या मिलेगा आपको? 50-60 pounds मिलेंगे, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो जितनी योगा टीचर है ना वेस्ट में, सॉरी यार लेट मी रिलैक्स, वो सारे या हमारे अफ्रीकन भाई बहन है या गोरे भाई बहन है, ठीक है। हम किनके स्टूडियो के बाहर जाके खड़ा होके हमने धरने दे दिए कि हाँ जी मिसेस विल्सन लेके आओ अपना सर्टिफिकेट, कहाँ से आपने योगा सीखी, कहाँ से आपके आवर्स पूरे हुए। हम वी डोंट बॉदर, इनको हमारी गेम ही नहीं समझ आ रही। आप हमारी गेम को समझो फिर आप हमको समझ आओगे। हमारी गेम ये है कि वी एक्सेप्ट एवरीवन एज इट इज हाउ दे आर, वी डोंट फाइंड एनीथिंग, वी डोंट गिव एनीवन सर्टिफिकेट्स। हम नहीं कहते कि आप योगी हो गए हो, आप वीगन हो गए हो, आप वेजिटेरियन हो गए, जो मर्जी हो यार तेरी चॉइस है। तो वेल गाइज इट वॉज अ शॉर्ट वीडियो, आई होप यू गाइज इंजॉयड इट, एंड मजा आया होगा आपको। मजा आया तो कोई लाइक लोइक भी मार देना यार, और यार सब्सक्राइब कर लेना, मैं कभी किसी को कहते नहीं, कर लेना प्लीज है। एंड अपने एंटी नेटलिस्ट भाई साहब थे, उन्होंने बात करनी है तो आ रहे, बात ही कोई नहीं है। तो दैट्स द होल स्टोरी। अब चलो देसी एथियस तो कहते हैं अब हम हो गए हैं तो क्या करें, तो हो गए दसी की करिए ब्रावा। ओ नहीं यार खुल के पता क्या है, मैं अपना ये हीरो है क्या नाम है, सुपर इनक्रेडिबल। अभी मैं यार मैं खुल के हंस रहा हूँ, मैं पहले भी बड़ा हंस चुका हूँ। एंटी नेटलिस्ट भी आ गए, एंटी नेटलिस्ट भी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू करण? नॉट टू बैड, हाँ जी बताइए आप कैसे हैं आप? ऑल गुड। अच्छा मैं ये बात करना चाह रहा था कि कल तो बहुत सारे लोग थे तो इसलिए हमारी सही से बात नहीं हो पाई एंटी नेटलिज्म के टॉपिक। अभी कर लो, मैं कर ली काफी हद तक, आप बताइए अब जी। तो एक पॉइंट जो आपने कहा था कि ये सत्य नहीं है बॉडी जो है हमारी,
इसका मत, इसका मुझे सत्य का वैसे बाय द वे इंग्लिश में अगर आप इसके ट्रांसलेशन बता सको तो दैट यस सिंपल सी बात है एंटी नेटलिस्ट जी, सत्य वो नहीं है जो बदल जाए, जो बदल गया वो सत्य नहीं। ओके व्हाई डज इट मैटर, इट मैटर्स अ लॉट भाई, व्हाई डजंट ट्रुथ डजंट मैटर इन योर लाइफ। ओके तो अगर कोई पैदा हो या ना हो इट डजंट मैटर बिकॉज़ बॉडी विल चेंज इवेंचुअली। यस यस इट विल चेंज। सो देन जस्ट एक्सेप्ट आवर फिलॉसफी एंड जस्ट से दैट यू आर आल्सो एंटी नेटलिस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। हाउ कम, हाउ कम? बिकॉज़ बॉडी तो सत्य है ही नहीं अकॉर्डिंग टू यू। बॉडी सत्य नहीं है, चेतना तो सत्य है ना। व्हाई टू क्रिएट इट, इट इज नॉट क्रिएटिंग, आपसे पूछ के एवोल्यूशन तो नहीं हुई ना। नहीं बट यू हैव योर कॉन्शियस चॉइस टू वेदर टू क्रिएट और नॉट। भाई भाई मेरे उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? अब फिर शुरू, जितने चांसेस फिर शुरू होने के हैं ना, लेट्स से आज पूरी ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाए, तो फिर जितने चांसेस फिर से ह्यूमैनिटी के इवॉल्व होने के हैं, उतने ही चांसेस फिर से आइडिया ऑफ एंटीनेटलिज्म के आने के हैं, और फिर से हाँ तो फिर वो एंटीनेटलिज्म फाइनल फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ ना, फाइनल अप्रोच तो नहीं हुई ना फिर वो। But, फिर वो चांसेस भी है। ओके बट स्टिल इट डज नॉट जस्टिफाई कि अगर आप अपना बेटा इसलिए पैदा कर रहे हो, आपके बच्चे की तो जिम्मेदारी नहीं है कि देखो, वो देखो, देखो कि आपको इसका मैसेज क्रिएट जो हुआ है इसको भाई मेरे ये देखो आपका जो अगला जन्म होना है वो गारंटी ह्यूमन तो नहीं है, आप कोई स्पीशी भी बन सकते हो, आप सारी दुनिया की मक्खियां तो नहीं मार सकते। नहीं बट आपके पास आपके बच्चे की चॉइस तो है आपके पास अपनी। कैसे चॉइस है? वो एवोल्यूशन के बाद हो ही जाना उसने। नहीं आप अब मैं मेरे से जो छोटी सिस्टर है मेरी, ठीक है, वो मेरे से 3 साल छोटी हैं, ठीक है, मेरे और उनके बीच में अगर मेरे वालिद अम्मी और अबू चाहते तो एक और बेटा पैदा कर सकते थे या बेटी पैदा कर सकते थे, ठीक है। उन्होंने कॉन्शियस चॉइस बनाई कि उन्होंने नहीं किया पैदा। बट हमारा वो हमारा चक्कर ही नहीं है भाई साहब, हमारा चक्कर ये है कि वी आर सब्जेक्ट टू कॉन्शियस, वी हैव नथिंग टू डू विद द बॉडी। आप मेरे को मैंने आपको कहा ना कि आप थोड़ा पहले अद्वैत पढ़े या माकुंडे उपनिषद पढ़े, आपका थोड़ा से आइडियाज आएंगे नए नए आपको। ओके और एक और चलें ठीक है, इस पॉइंट से हम आगे चले जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर पहले। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि इस दुनिया के अंदर जो सफरिंग है, आप देखो क्रॉनिक पेन एग्जिस्ट करता है लेकिन कोई क्रॉनिक हैप्पीनेस नहीं एग्जिस्ट करती। तो क्रॉनिक पेन का मतलब ये होता है कि आप कांस्टेंट पेन में रहते हैं। दिस इज सब्जेक्टिव भाई, मैंने इट इज ऑल सब्जेक्टिव। एक मिनट चलो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अगर आपको जलाया जाए, ओके, इज देयर एनी प्लेयर यू वुड एक्सचेंज इट फॉर? नो नो, वो जो जलाया जाए या मेरे को खाना खिलाया जाए, इट्स एक्सपीरियंस हमारे लिए। मैंने इसलिए एंटी नेटलिस्ट बताया था कि आप लेना तो नहीं चाहोगे ना। नहीं नहीं, वो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे तो नहीं हो रहा ना। इट इज नॉट टू मी, इट इज टू माय बॉडी। बॉडी इज सब्जेक्ट। हमारे जो जितने गुरु थे, हमारे जो जिनको जला दिया गया था, अगर वो पैदा ना होते तो फिर नहीं। आपको यार मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं भाई, एंटी नेटलिस्ट जी अब अगली बार आ रहा ना, थोड़ा सा अद्वैत पढ़ के आना, आप थोड़ा सा समझा दोगे तो इट विल बी बेटर। नहीं नहीं, उसमें ये होता है कि आपको थोड़ी सी अपनी तरह से डालनी पड़ती है एफर्ट। हमारे जो गुरु थे ना, जो मतीदास 3 थे जिनको जला दिया गया था मुगलों द्वारा, जब उनको जलाया उनका कोई रिएक्शन नहीं था, वो जल गया सही। वेल मुझे लगता है गलत हुआ था उनके साथ। नहीं नहीं, गलत तो हुआ है, वी एग्री टू दैट, बट आपको नहीं ये सोचना है उनके साथ वो didn't react, they just burned the body and that's it। नहीं आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गुरु थे, हमारे गुरु थे, the reason I'm saying ये गलत हुआ उनके साथ is base, इसकी base ये उनको pain हुआ होगा। हाँ ना, आप कैसे decide कर सकते हो? उन्होंने तो कोई react किया नहीं ना। How can you know that? We know people saw us, our people saw that। ये होता है, आपको इसका ज्ञान थोड़ी कोशिश कीजिए, आपको मिल जाएगा, कोई उसकी बड़ी बात नहीं। बात बहुत मुश्किल है यकीन करना, कोई एक आजकल मौलवी बता दें आप अपना जो बोले भाई क्यों? मेरे आप करो ना, ये देखो ये दुनिया जो सारी है वो एपिडेमिकली आई एम नॉट अप टू दैट लेवल, आप नहीं, आप तो वहां बैठे हुए, आपने कोई एक बंदा देखा? मैं कहां पे बैठा हूं? कई यार देखो एंटी नेटलिस्ट जी, आप देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई बातें आपको आधे घंटे में नहीं समझ आ सकती, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से डालना मुझे पड़ेगा। एक बंदा सामने नजर आ जब अपना हाथ जला दे और उसको बिल्कुल भाई मेरे, मैंने आपको बताया मतीदास, यार आप देख लेना, कौन सी ईयर में आया था? MATIDAS राइट, मतीदास। एक मिनट मैं आपको शांत रखू, मैं थोड़ी सी ना आपको गूगल करके बताता हूँ भाई, मतीदास राइट।
1621 यार इस तरह तो पाक, अब आप फिर आप ये मानते हो ये जो इस्लाम की जो कहानी है फिर उनको मानते हो आप, उन्होंने तो काय को उड़ते थे हवाओं में। उनको ला ना, 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 ना अब लुक वी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे ना तो बात बन जाएगी। हाँ हमारे गुरु तेग बहादुर थे ठीक है, तो जब उनको पकड़ के लेके गए कि जी आपको मारना है ठीक है, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। तो जो वहां के लोग थे वो कहते कि जी आप तो गुरु हो चमत्कार करके बाहर आ जाओ बच जाओगे, कहते मैं तो गुरु हूं मैं चमत्कार करके आ सकता हूँ बट हाउ विल आई गिव लेसन टू माय पीपल। तो जब उनका उन्होंने किया तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था गुरु जी का। वो क्यों नहीं था, क्योंकि हम लोग वी डोंट कनेक्ट टू दिस बॉडी। आर जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं उनके लेवल पे, उनका बॉडी से कोई कनेक्शन नहीं होता। वी हैव नॉट सब्जेक्ट टू द बॉडी। आपको कई हमारे भारतीय साधु संत मिलेंगे जिनमें जो सेक्स की भी इच्छा नहीं होती उसको भी खत्म कर देते हैं। वो तो आप खत्म कर सकते हो पर पेन खत्म नहीं कर सकते। नहीं भाई साहब वो आपका सब्जेक्ट है ना, आप वर्क करो इसके ऊपर प्लीज। आप थोड़ा अद्वैत पढ़े, थोड़ा उपनिषद पढ़े, माकुंड उपनिषद पढ़े तो बात बनेगी वहां से। पर उसके बाद भी एंटी नेटलेस ही दुनिया ने फिर संसार ने फिर शुरू हो जाना, फिर क्या करें। तभी तो मैंने आपको कहा था ना भाई मेरे, ये तो आप समझो कि आपको ये अंश ही नहीं डाला गया कि अगले की ओपिनियन भी आपने माननी है। नहीं नहीं हम गलत और सही के ऊपर डिस्कशन तो कर सकते हैं भाई, दिस इज व्हाट यू डिसाइडिंग ना। मैंने कहा रॉन्ग राइट, मैंने कुछ कहा, मैंने कहा दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम बात कर रहे हैं कि जन्म, हम बात कर रहे हैं कि जन्म किसी का हो कि ना हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप क्या, आपका क्या पोजीशन है कि किसी को कत्ल करना ठीक है या गलत है? सब्जेक्ट टू द लॉ, कोई भी बंदा करे सब्जेक्ट टू लॉ है। सो इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन राइट? नो नो इट्स सब्जेक्ट टू द लॉ भाई, किसी को कोई मारेगा नहीं मारेगा वो सब्जेक्ट टू लॉ होगा, लॉ के मुताबिक फैसला किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं जब मैं जज बनूंगा फिर नहीं, लॉ तो हर वक्त, तो इस तरह तो स्लेवरी को आप चेक कर लो, स्लेवरी एक वक्त में गलत थी, लॉ के मुताबिक ठीक थी, अब आप कर हम उसे गलत कहते हैं। हमारे पास सुनी थी स्लेवरी कभी सही, वही जो अब्राहमिक वर्ल्ड में थी, आपके पास थी बट आपसे ओपिनियन तो लिया जा सकता है ऑन दैट। ना हम भाई मेरे उनका जिन्होंने बनाई है उनसे आप पूछे, जिन्होंने अब हटाई है उनसे आप पूछे, भी नहीं दोगे भाई मेरा ओपिनियन का। मैंने आपको पूरा ज्ञान दे दिया, ओपिनियन मेरे ओपिनियन से क्या हो जाना। आप भी डाले ना, आप भी थोड़ा पढ़े, थोड़ी रिसर्च करें। आप तो इसको इररिलेवेंट आप कैसे रख सकते हैं? मैं आपके पास ज्ञान बांटने के लेने के लिए आया हूँ और आप मुझे बताएंगे? उसका समय लगता है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सिंपल टू से वेदर स्लेवरी वाज राइट और रॉन्ग। नो नो जो हमने प्रैक्टिस नहीं की हम कहां से कहें सही है कि गलत। किसी ने तो प्रैक्टिस किया, आप उसके ऊपर ओपिनियन से लेना भाई, ओपिनियन जिन्होंने की है जिन्होंने हटाई है। इररिलेवेंट आप इस दुनिया को, दुनिया में एक काम हो रहा है आप उससे इररिलेवेंट। आपके पड़ोसी का कोई कर रहा हो, मैं आपका पड़ोस में रहता हूं, मैं अपनी बीवी को पीटता हूं हर रोजाना, आप उसके ऊपर ओपिनियन नहीं रखोगे? देखो जो जो जब चीज होगी, जब मैं उसको एक्सपीरियंस करूंगा तब आपको बताऊंगा। स्लेवरी आपने देखा हुआ है? मैंने तो एक्सपीरियंस की ना, हाउ वुड आई से? ओके वेल मेरे ख्याल से तो स्लेवरी एक गलत चीज है। तो ठीक है दैट्स योर ओपिनियन, मैं तो ओपिनियन भी नहीं दे रहा। That's your opinion. Okay. Well, being irrelevant does not also makes you avoid the problem. Look, anti-natalist, आप ना दूसरे बंदे को टैग बड़ी देर जल्दी देते, थोड़ा वेट किया करो यार, थोड़ा प्रतीक्षा, थोड़ी वेट किया करो, थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से भी डाला करें आप भी थोड़ा। मैंने आपको कहा कि आप उपनिषद पढ़े। नहीं मैं तो देखें पढ़ाई के लिए इस तरह तो हर चीज इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है ना, वो तो पढ़े आप। Yes, that's right. But आप अगर मेरी मुझे बता देंगे तो I don't think इसमें कोई ऐसा इशू हो जाएगा। देखो देखो इशू तो कोई, मैंने आपको बता दिया पिछली, अगर आप स्ट्रीम देखे तो मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि कई चीजें होती हैं बिलीव, ठीक है ना, जैसे बुक में लिखा है उसको पढ़ लो, मान लो आप जन्नत पक्की है, ठीक है। एक कई चीजें होती है अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग हार्ड होती है। अब हर बंदा इंजीनियर तो नहीं बन सकता, दैट्स राइट, ठीक है ना, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, इट्स अ हार्ड टास्क। Yes. तो उसके लिए वो एक दिन में तो बनेगा नहीं। अब
अब उसकी चाहिए बट सही और गलत में डिफरेंशिएट तो करना बहुत आसान है, हर इंसान कर सकता है, वो अलग चीज है। वी नाउ बी डिस्कसिंग व्हाट इज बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब आप आगे अंडरस्टैंडिंग में, आपने बिलीव, हैव यू लेफ्ट द बिलीव और यू स्टिल इन बिलीव? हैव व्हाट बिलीव मींस, किसी में आपका विश्वास है? आई कॉल माय सेल्फ एंटीनेटलिज्म, एंटीनेटलिस्ट। हां, तो उसके अलावा कोई आपका है कोई बिलीव? नो नो, आई जस्ट बिलीव इन एंटीनेटलिज्म। ठीक है, फिर आप I mean, I should not even use the word believe. I think antinatalist is the most rational philosophy everyone should follow. अब हम ये चीज़ नहीं कहेंगे कि everyone should follow Vedas, everyone should follow Upanishad. हम कहेंगे आप पहले, हम ये कहेंगे पहले आप, मैंने आपको अभी तक सिर्फ ना क्या उसको पढ़ लो, बाद में देखेंगे ना। इतना मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है कि कोई इंसान किसी और इंसान का रेप करे, उस किसी और इंसान को कत्ल करे, मैं उसे कहूंगा वो गलत कर रहा है। आपके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है कहना कि हाँ, I never I'm, first of all, I'm not a judge. I never been through that situation, so how can I tell you? आप सोसाइटी में रहते हो, आप देखते हो किसी इंसान के ऊपर मेरे सामने, I never experienced that. I never seen it. But you know, आपके mirror neurons होते हैं, आपको, you are 100% sure कि अगर मुझे कोई इंसान torture करे, you can feel कि मुझे pain हो रहा है. When it happens in front of me, I will tell you. Yes, but that's right. So, जब एक इंसान को rape हो किया जाता है, या kill किया जाता है, या torture किया जाता है, you can pretty much make an understanding कि उस इंसान को दर्द हो रहा है. इसके लिए आपके सामने होने की ज़रूरत है. You can make वो an... जब वो बंदा बताए, अपनी experience बताएगा ना फिर. This person, वो मेरे कहने से तो नहीं होगा उसको, वो अपनी experience आप बताएगा आपको. Yes or not? You agree to me or not? Okay, but एक इंसान कहता है उसे दर्द हुआ है, तो क्या वो जो ठीक है वो कहे, उसकी मर्जी, हम उसको करते तो नहीं. आप कहोगे ना कि हाँ, इस इंसान के साथ गलत हुआ, तो फिर तो आप morality उसकी opinion कर रहे हो. उसकी opinion है, हम उसको disagree agree मैंने थोड़ा करना, court ने करना. तो वेल, कोर्ट में तो लॉ चेंज होता रहता है. आप भी जाकर लॉयर बन सकते हो, मॉरल फिलॉसफी दे सकते हो. जैसे बहुत सारे फिलोसफर हैं जिन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी दी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉ आएगा और लॉ बताएगा, उन्होंने अपना फिलॉसफी दी दुनिया उसके ऊपर. भाई मेरे वो उसके बाद नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म आया. उनकी ओपिनियन है ना, वो उनकी ओपिनियन है. अब बात खत्म होती है यहां पे कि फिर सही तो होगा. हमें चाहिए कंप्लीट आंसर. एंटीनेटलिस्टी इसमें संसार तो फिर आ रहा ना, एवोल्यूशन तो फिर भी हो रही है. As much as, okay, so you have got limited responsibility. It's not a complete answer. आप उसको रोक नहीं सकते. But और एक मिनट, एक मिनट. जो आपके कंट्रोल में नहीं है, like you know, फिर evolution होगी. अगर आप लगे, अगर evolve हो जाएंगे, तो फिर क्योंकि हम evolve हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के बच्चे पैदा करना शुरू कर दूँ. मेरे बच्चे की क्या जिम्मेदारी है? आप एक human being को तो बचा सकते हो. वो आप decide करो ना. You decide. आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं. Well, we are discussing this philosophy. अगर आपके हैं बता दो, नहीं आप personally, like we can stick to the subject. तो फिर मजा नहीं आया ना, फिर आप अगर इतने anti-lastic आप हैं तो बताओ तो सही. नहीं, well, अगर मेरे बच्चे हों भी तो I'm not saying. एक listen, my arguments are not based on my action. तो फिर हो जानी है, बात हो जानी खत्म. तो फिर हम उसको क्यों करें जो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है? पर उसके लिए आपके बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तो उसमें क्या है भाई मेरे, जो आपको मान भी ले वो बात समझो ना. सर मैं आपको मान रहा हूँ, अच्छा क्यों क्यों इवॉल्व करेंगे? आपके पास क्या सबूत है कि हम दोबारा इवॉल्व कर जाएंगे? हम हुए पहले हुए तो एक मर तो होता है, तो इसका मतलब बार बार होगा वो. Why not? आपको ये तो पता है कि आपके पास क्या सबूत है कि नहीं हुएंगे? एक मिनट, ह्यूमन एक्सटिंक्शन इज एक ना एक दिन होनी है. आप इस बात को तो मानोगे? नहीं होनी यार, ये तो तभी आप जो आपकी, फिर मैं कहूंगा ना, फिर इट डजंट साउंड गुड. आप देखो, ये जो कयामत का चक्कर है ना, एंटी नेटलिस्टी, ये बड़ा डेंजर है. इससे आप एक और बात, विद इन 12, डू यू एग्री कि विद इन 12 बिलियन इयर्स ये जिस धरती के ऊपर हम अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, ये ह्यूमंस के लिए रहने के काबिल नहीं होगी? नो, वो वी विल डिसाइड. वो तो वो लग, यार आप कैसी बातें कर रहे हो. एडमिनिस्ट्रेटिव पे पता क्या, मैंने ये वैसे ही शॉर्ट स्ट्रीम रखी थी. देन आई हैव टू टेक इजाजत आपसे, फिर आप आते रहना यार. पर आप थोड़ा एफर्ट डालो, थोड़ा हमारा भी पढ़ो यार.
हम कयामत कुयूत पे बिलीव यार नहीं। आप लोग ना, आप लोग कहे कि यीशु है, आप कहते तो हमारा जाके पढ़ लो, आप बता क्यों नहीं सकते उसको इतना, वो उसका क्योंकि एंटी नेटलेसी वो समझने की बात है ना, वो मैं आपको पिछली बार बताया था, आप जाके पढ़ लेना, वो सुन लेना, वो एग्जैक्टली आपने मुझे कॉन्शियसनेस के ऊपर बताया और कॉन्शियसनेस उसके बाद कुछ पढ़ा हो, मेरे लिए तो ये कोई अचंभे की बात नहीं, मेरे लिए तो बहुत आसान बात है कि मैं सोया, रेस्ट किया मेरे दिमाग ने, सुबह में उठ गया, कहानी खत्म होगी। आप कह रहे हो नहीं, पता नहीं कौन सी चीज हूँ, पढ़ लो ना भाई, दुनिया यहाँ पे रुकी हुई है, एंटी नेटलेसी पे मजा थोड़ा आता है, ये तो समझ के ना ऐसा लग रहा है दुनिया नहीं रुकी हुई यहाँ पे, दुनिया बहुत आगे निकल गई है यार, एंटी नेटलेसी न्यूरो साइंस यहाँ पे रुकी हुई है, आप पढ़ लेना हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस बाय डेविड चार्मर, आप पढ़ लेना एक बार प्लीज, मैं प्लीज अच्छा नहीं लगता ना, आप पढ़ लेना, अपनी तरफ से एफर्ट तो डालें। कैन यू प्लीज डिफाइन व्हाट इज कॉन्शियसनेस, यार मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछली वीडियो देखना, वही बात होगी, आप जाके डेविड चार्मर को पढ़ लें, सुन लें, और या सैम हैरिस है, एडविड ब्रायंट है, ये जो लोग इस पे काम कर रहे हैं उनको पढ़ लें जाके आप। ओके वेल मुझे काम हो चुका है, थैंक यू बड़ी, आई नीड टू फिनिश दिस क्विकली, थैंक यू यार, थैंक्स फॉर कमिंग, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, ये कौन है, न्यू गाय टुडे, हेलो अंकुर, हाउ आर यू, बस बढ़िया, आप सुनाओ अंकुर, मेरा डूड था, हाँ काफिर बॉय बन गया ना आजकल, चल ठीक है यार, ये तो सारे अपने बंदे हैं, इनको ले लो एक एक करके, ओ यार ज्यादा लंबा नहीं करना भाइयों, नहीं यार इतना अच्छा टॉपिक है यार, ये तो मेन होता है, नहीं ये अच्छा किया ग्रुप में ले लिया, थैंक यू गाइस, लेट अंकुर स्पीक यार, अंकुर हमारा पिछली बार रह गया था, अंकुर जी क्या कहना चाहेंगे आप, बस यार ये टॉपिक बड़ा अच्छा ढूंढा आपने, इनकी ये चलाकी इतनी तेज है ना, ये पाकिस्तानी ये थी इसकी कमाल है, फाड़ लिया कि ये अभी मामा वो सात साल इंडिया च रह के धक्के खा के सालम सीकर है, हुन साडे वास्ते उन्हें पोएम लिखती 1996 च, इन्हां नूं ए वी नहीं पता लिखी कदों है, 2014 च, ये हां ओदे ओला कदी गूगल ही नहीं सही हुंदा बेचारे दा, हाँ नहीं एक महीने की गल, सो इन्हों सारी प्रॉब्लम इंडिया से मिल रही है, हर प्रॉब्लम इनको इंडिया में मिलती है, अब यहाँ पे केस हुआ था ये आपके इंग्लैंड में ही, जो प्रिंस है, प्रिंस हेनरी है शायद उसका नाम, जो उसने उसके ऊपर बोला हुआ है, क्या कहते हैं, प्रिंस हेनरी है उसके ऊपर बोला हुआ है केस को वो, है ना, तो इस पे क्यों नहीं इसने वीडियो बनाई, ऐसी चीजों पे क्यों नहीं इसकी वीडियो बनती, इसको एक जगह पे कहीं पे जाके, वो रॉयल फैमिली है वहां पे केस हो गया, वो इसने कहीं पे इंडिया में जाके एक केस हो जाएगा ना, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, इसने उस पर वीडियो बनाने लग पड़नी है, इन्होंने सिर्फ इस्लाम छोड़ा, इंडिया से ना हेट है ना वो उन्होंने पूरी रखी हुई है, वो नहीं जानी, ये जो कह रहे हैं ना ये पीस प्रोसेस चला हुआ जो यहाँ पे कि इंडिया पीस प्रोसेस है जी, हमने सीज फायर नहीं करनी बॉर्डर पे, ये सारा कुछ फिर से हो जाए, इनकी ये नहीं सुधर सकते पाकिस्तान वाले, जितना मर्जी इनको कर लो, वैक्सीन यहाँ से चाहिए, सबको यहाँ से चाहिए, उगलना फिर भी जारी, अब क्या करें यार, हाँ जी ये कौन बोल रहा है, यस ऋषि क्या करें आप, मैं ये बोल रहा था हमको पाजी, वो ठीक है यार, देखो हमारे यहाँ कुछ केसेस होते हैं तो इसलिए वो उठा पाते हैं, तो हमें ये रहता कि भाई वो अपनी प्रॉब्लम नहीं ले रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनकी तरफ से, थोड़ी रैशनल रैशनल आवाज़ क्या कम आ रही है क्या, हाँ थोड़ा ऊँची बोलो, ऊँची बोलो, मैं ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि हमें जो है अपने पे कंसंट्रेट करना चाहिए ज़्यादा, रेदर देन ये देखें कि वो हमारी कमी क्यों ज़्यादा निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे, थोड़ी बहुत हैं तो वो निकाल रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है वो कहाँ की निकालें या ना निकालें, जैसे हमारे पास राइट है कि इंडिया में कौन से इशू पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करें, किसी पे कम करें, ये हमारा राइट है, तो ऐसे ही उनका भी एक अधिकार या हक या राइट बोल सकते हैं कि वो आ रही है न्यूज़, क्योंकि जब से नेट आया तब से तो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, तो कहीं की भी न्यूज़ उठा के यूएस में बैठा बंदा इंडिया की चाइना ग्लोबल वर्ल्ड है, तभी इनको वैक्सीन दान में देनी पड़ेगी ना, क्या करें, तो है ना, तो ग्लोबल वर्ल्ड है ना, तो आप, आपको जो है पार्ट, तो हम भी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं ऋषि भाई, हमने कौन सा बटे मार दिए इनको, नहीं नहीं मैं ये नहीं, तो नहीं कह रहा कि रैशनल नहीं, जब हम अगर ये बोले यूएसए ने तो बैन लगा दिया था ना, यूएसए ने तो बोल दिया था कि मेरे को वैक्सीन अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं मैं किसी को भी दूंगा, उसने 2 महीने बाद शुरू की अपनी फाइजर वाली, इंडिया ने तो पहले दिन ही शुरू कर दी थी, तो ये तो अपनी मर्जी है ना, अगर इंडिया
इंडिया भी बोल सकता है ना मेरे को नहीं देनी इसको, तो जबरदस्ती थोड़ी ले लेंगे वो हमसे। अच्छा तो ऐसा क्या भी करें। नहीं हेलो है कि पूरी मैंगो, दुनिया की, मैं ये कह रहा हूँ, हेलो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि पूरी दुनिया की सोसाइटी परफेक्ट है और इंडिया नहीं है इसलिए बोला जा रहा हाँ है। कोई सोसाइटी हाँ परफेक्ट नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब एक टारगेट किया जाए और वो एक मोटिव नजर आ रहा हो आपको, एक अब ये कोई कहे कि उनका उनका मतलब अधिकार है कि वो बोल सकते हैं, तो ठीक है, हमारा अधिकार है रिबट करने का, कहने का मतलब बाल की खाल निकालने भी कोई पड़ेगा। अभी तक, अब जैसे आपने ये चलाया था ये पोएट्री की, तो मैं इसके बारे में सर्च करा तो पता लगा मुझे कि 1996 में लिखी गई थी और इसको जेएनयू में 2000 में पहली बार रिसाइट किया गया था, और पार्लियामेंट में किसी इंडिविजुअल ने अपना पॉलिटिकल में शेरोशायरी में कह दिया होगा। अब अगर हिंदू चुप रहे, ना कुछ करें, कटता रहे, मरता रहे, तब तो हम अच्छे हैं, लेकिन अब हम जवाब देने लगेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे। मैं थोड़ा प्रकाश लाता हूँ। देखिए, हमें इनकी इनकी इकबाल से सीखना चाहिए। तो इकबाल ने क्या बोला था जब वो हिंदुस्तान में थे, तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान, अभी भी हम गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान गए तो उन्होंने मिल्लत तराना बना दिया। मिल्लत तराना क्या है? मुस्लिम है हम, सारा सारी दुनिया हमारा, चीन हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा। फिर इनकी दूसरी एक बड़ी पोएट है, अभी भी चलता है, फैज अहमद, हम देखेंगे करके, एक पाकिस्तानी पोएट है। उनका क्या है, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी सोसाइटी की सोच की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या बोलते हैं, सारे बुत तोड़ देंगे, अल्लाह का नाम रहेगा। ये एक सुपर हिट है, इनकी नैरेटिव है ये बेसिकली। पाकिस्तान की जो कंस्टिट्यूशन, जो उनका तीन शब्द में उनकी मिलिट्री डिफाइन होती है, ईमान, तकवा और जिहाद सफीउल्लाह। तो आप समझ जाइए इनकी क्या, इनकी सोच। हम सोचते हैं कि ये रिलीजन का मामला है, रिलीजन, हर बंदा रिलीजियस नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग होती है। चाहे ये कोई एंटी नेटलिस्ट बन जा रहा है, कोई एथिस्ट बन जाए, ये कंडीशनिंग नहीं जाती है, कंडीशनिंग वही रहती है, वहीं से वो आ रहे हैं, यही मिल्ली तराना से ही आ रहे हैं। और ये नहीं, और देखिए हमें ये पहले, अभी तो सोशल मीडिया है, पहले टाइम में काफिर को इनकी उमर कोड हुआ करती थी। तो यू आर नॉट सपोज टू लर्न देयर रिलीजन, उनकी जो दीन है उनको जानने का पहला जी, दिन। आपसे मैंने बात करनी थी। आप अगर उनके साथ बात करते हो अबाउट कॉन्शियसनेस, आपने कुछ कुछ अद्वैत या कुछ पढ़ लेते हैं आप पहले जाने से? नहीं सर, देखिए ये तो, देखिए इस टॉप, ये तो बहुत हार्ड प्रॉब्लम, जैसे यू नो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस हियर, ये तो एक बहुत हार्ड टॉपिक है, एसोटॉरिक टॉपिक है। ये तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि तुम मुझे बताओ मैं सुन लूंगा, इसके बारे में अपनी सब मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे हमारे एथिस्ट वाले, कि ये भाई कि ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस। तो मैं, लेकिन मैं देखो, समझाने के लिए टू वेज होता है। मैं पहले मैं समझूं, मैं बताऊं, फिर आपकी भी तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, इंटेलेक्ट लेवल, एटलीस्ट यू राइज अप टू ए हायर इंटेलेक्ट लेवल। ओके, दैट्स फाइन वैदिक जी। आप अगर लो इंटेलेक्ट लेवल में पास ठीक है, ठीक है, हो गए आई तो नहीं अंडरस्टैंड। समझ में आएगा ना। अरे जी ठीक है, आई अंडरस्टैंड। हु हैवन स्पोक येट? आई थिंक द गाय आशीष। हेलो आशीष जी, हमारे ड्रैगन जी आए हैं, ड्रैगन जी। हाँ सर, वो ये एंटी नेटलिस्ट कुछ बोल रहे थे पेन से रिलेटेड। सो प्राइवेट चैट में मैंने एक लिंक दिया है जिसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क खुद को आग लगा रहा है और वो भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए, कोई पेन नहीं है। तो ये भी आप अभी या फिर लास्ट में चला दो स्ट्रीम के, उनको नहीं भी नहीं पता वो चल जाए स्ट्रीम हो कि ये भी जाएगा होता है। भाई मेरे, मैंने उनको बता दिया ना, मैंने जब उनसे पूछा कि आपके बच्चे हैं तो उन्होंने आंसर दिया नहीं। अब बात ये है कि भाई मेरे, कि जो जिनकी सुई अटकी हुई है ना कियामत डे पे, उसको हम हटा, बड़ा मुश्किल काम है यार। जो ये मानता है ना कि कियामत आएगी, उसका बड़ा ये जो हमारे देसी थे तो ये भी मानते हैं। मैं आपको वो भी प्रूफ दिखा दूंगा। एक दिन मैं गया था फौजिया जी के शो पे, तो यहाँ पे दो तीन फेमस एथियस बैठे हुए थे उस डिबेट में। अगर मिल जाए ना वीडियो, मैं वो भी चला दूँ। तो मैं वहां पे जाके मैंने उस लड़के से हेलो। पूछा, हाँ एक मिनट सर, तो मैंने कहा कि आप में से किसने जन्नत जाना है? तो एक थे हमारे सार्कोजी, उन्होंने कहा था मैंने नहीं जाना। एक हमारा था सन्नी, उसने नहीं कहा था, बाकी सब ने चुप। सब कहाँ पे गई थी इनकी एथियज्म, जब इनको पूछा मैंने। ये बातें हैं बकवास है यार। वो क्या यार, एक लॉजिकल वो प्रूव हो चुकी है, कॉन्शियसनेस एंड एवरीथिंग, वो साइंस से हो चुका है। तो बाकी बातें हैं, वो मजा ही ले रहे हैं हम भी। और इनको इनको कौन सा कुछ समझ आना। लेट मी डेटा वेलकम कीड़ा इनके सिर पे है अभी।
जजमेंट डे का हो गया। हाँ जजमेंट डे का जो प्रॉब्लम है ना अंकुर भाई वो जाएगा नहीं इतनी जल्दी। वो जजमेंट डे के बारे जजमेंट डे का जो है ना मैं कह रहा था जजमेंट डे के बारे में जो है बड़े सीरियस होकर बोलते हैं जब ये अभी भी बोल रहे थे ना कि वो इतने साल बाद क्या धरती जो जैसी रहेगी पर क्या पता आर्मी भी इवॉल्व होता जाए उस जैसे बन जाए। देखो ना कितनी चीजें इवॉल्व हो रही है हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हैं वहां पे भी हम गर्मी में जैसे गर्मी जा रहा होगी हम गर्मी वाले भी कुछ ना कुछ बना ही लेंगे। हो सकता है दूसरे प्लेनेट पे चले जाए बिलियन ईयर्स का वो बात कर रहा है क्या कुछ नहीं किया जा सकता। I think guys there's a guy called Jitendra. Hello Jitendra, aap nahi pehli baar aaye? Hello Jitendra, 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 I think he lost connection and who left Ashish koi reh gaya yaar bol lo maine jaldi khatam karni aa rahi hai please Prasoon reh gaya abhi maine ek suna tha inka live kuch din pehle ये कोई सनातनी हमारे कोई हमें यूएस में रहते हैं उनसे इनकी कोई डिबेट चल रही थी। अच्छा उन्होंने अच्छा डिफेंड किया सनातनी भाई जो ये हमारे वैदिक आर्य जी हैं। हाँ यही थे शायद। हाँ। तो ये बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे थे उनको और वो इनकी बात ही सुनना नहीं चाहते थे बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था मतलब एक हेल्दी डिबेट नहीं थी वो। मगर आखिर में उन्होंने इनसे क्या पूछा कि नहीं कि आप नॉनवेज खाते हैं तो उन्होंने कहा नहीं खाते तो मतलब आप डॉगमेटिक हैं। तो इनकी मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक राइट तो इनकी सोच वहीं तक है ना प्रॉब्लम इनकी कंडीशनिंग में है लास्ट में वो एथिस्ट वो रिचर्ड डॉकिंस से शुरू होता है लास्ट में वो कंक्लूड उनका सोच वहीं तक जाता है कि तुम गोश्त नहीं खाते। अच्छा, उन्होंने पूछा आपने किताबें कौन कौन सी पढ़ी है उनको लगा कि ये सनातनी सब अनपढ़ी होते हैं उन्होंने पूछा किताबें कौन सी पढ़ी है तो उन्होंने सारी किताबें गिना दी जो उन्होंने भी नहीं पढ़ी होगी तब ये कहते हैं कि अच्छा आप नॉनवेज खाते हैं तो हाँ नहीं खाता तो मतलब आप डॉगमेटिक हैं। अच्छा वो हमारे ह्यूमन भाई क्या नाम है उनका मैं ह्यूमन बीइंग भाई वो कहते हैं कि इतनी इतनी किताबें इन्होंने लिख दी और फिर भी आप इनकी बातें मानने को तैयार नहीं है एथिस्ट की जिन्होंने इतनी सारी किताबें लिख दी। अरे किताबें लिखने से बातें ठीक थोड़ी हो जाती है जोशी किताबें हमारे यहाँ लाखों भरी पड़ी है जोशी ऐसा है तो हमारी किताबें ही पढ़ लो। जोशी जी बात ये है ना कि कंपैरिजन करते हैं इंडिया पाकिस्तान का यार पाकिस्तान को तो यूएई वीजा नहीं देता बात खत्म। उसने भी उसने पैसे मांग लिए वापस अपने 1 मिलियन ना सोचो तो आप छुट्टी फिर आपकी वो सर्टिफिकेट आपको देते हैं इनके पास मोर बड़ी होती है चक्को तो जाओ भाई सर जी रहा हूँ बड़े मेरे को समय नहीं लग रही कि खाने पे पीने पे इतना सीरियस क्यों रहते हैं जैसे जिसने खाना वो खाए नहीं खाना ना खाए जैसे मैं ही नहीं पूछता किसी को जो भी है ये मतलब मैं बड़ा मेरे को समझ नहीं लग रही है चीज की कि तुम नॉनवेज खाते हो तुम किस जात के हो तुम क्या करते हो। इस मामले में मैं डॉगमेटिक हूं इस मामले में मैं डॉगमेटिक मैं वीगन हूं डॉगमेटिक भाई और मतलब मेरे से पैसे जाते हैं वीगन होना अच्छी बात है मैं कह रहा हूं पर आप इसको मैं मानता हूं इस चीज को मैं मानता हूं इस चीज को कि मैं डॉगमेटिक हूं वीगन मतलब मेरे सामने ऐसा हो जाए ना कि साला जानवर कोई मेरे सामने काट रहा हो सकता है मैं उस इंसान को पेल दूं कि मेरे सामने कोई मार रहा हो किसी जानवर को मैं सही बता रहा हूं और इसमें मेरे कोई बात तो गलत है ना पर ये बात तो अरे वो गलत है नहीं है वो मैं कह रहा हूं मैं डॉगमेटिक हूं मैं मानता हूं आते हर आदमी डॉगमेटिक होता है हर आदमी को पता होना चाहिए मेरा डॉगमा कौन सा है जो डेफिनेशन है वो क्या है मैं बता तो रहा हूँ सुनो तो सही मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए क्या डॉगमा है कि अगर कोई एक थॉट है मेरा और मैं बोलता हूँ कि ये ही सही है मैं नहीं बदल सकता इस थॉट पर ये जो है वो सही है तो उसको मैं डॉगमा मानूंगा जैसे वीगनिज्म वाला है मैं बोलता हूँ कि भाई ये सही है और मेरे को नहीं लगता कि अपने जीवन टाइम में मैं बदल पाऊंगा वीगनिज्म पे मैं जानवर खा पाऊंगा या जानवर नहीं नहीं मैदा जी का क्वेश्चन है एक मिनट अभी ना रुक जाओ बात हो रही थी वही कहना चाहूँ कि आप अपना जो डेफिनेशन अगर कुछ डॉगमा का बना लेते हैं तो उससे डॉगमा का डेफिनेशन तो नहीं बदल जाएगा डॉगमा का डेफिनेशन ये कहता है
ये कहता है किसी चीज के बारे में बिना क्वेश्चन किए, उसकी रैशनैलिटी को चेक किए, आप उसको मानते हैं और उसका कोई आप आर्गुमेंट नहीं देते। लेकिन अगर कुछ लोग वीगन हो रहे हैं और उसके पीछे वो लोग रीजनिंग दे रहे हैं, तो हम उसको डोगमा नहीं कह सकते कंप्लीटली। फिर वहां पे वही वाली बात हो जाएगी, कोई आइडिया एब्सोल्यूट नहीं होता। तो हम लोग हर चीज को इतना जनरलाइज करके नहीं देख सकते। नहीं नहीं, मैं आपसे उस बात से एग्री कर रहा हूँ कि अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन जो मेरी खुद की डेफिनेशन है डॉगमा की, उसके हिसाब से मैं डॉगमेटिक वीगन हूं, मैं मानता हूं इस चीज को। जब ये लोग खुद वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं कि ये फ्यूचर के लिए मैं ये एक वो होगी, मतलब क्या बोलते हैं इसे, अच्छी चीज होगी फ्यूचर, हाँ मतलब फ्यूचर में लोग सब वेजिटेरियन हो जाएंगे, ये एक हमारा नया नॉर्म बन जाएगा, ये खुद बात करते हैं तब ठीक है। अगर कोई हिंदू आके कहता है कि हम तो 3000 साल से नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो फिर ये डॉगमा हो जाता है। वो आता ना वो रिस्पॉन्स, सांस भी कभी बहु वाली लसा था, मैं कुछ शेयर करता हूँ। मैंने शेयर किया है एक इमेज, शेयर किया वो एक मिनट यार, लेट मी वेलकम किंगपिन जी। किंगपिन जी जरा क्विकली आपका ओपिनियन ऑन दिस, की ये जो उनकी शायरी है हमारी देसी एथियस की, ये अपनी कंट्री में क्यों नहीं करते जाके वो। देखें क्या है बेसिकली, पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना आपको कि हमारे जो उनके डिफरेंसेस हैं किस पॉइंट पे हम रिबटल करें। कुछ पॉइंट्स पे जो हम गलत उनको चैलेंज करने लगते हैं, और कुछ जिन पॉइंट्स पे हमें चैलेंज करना चाहिए उस पर नहीं करते हैं। जैसे आज की जो स्ट्रीम थी, जिसने देखी, वेदिकार्य वो तो थे ही वहां पे, उन्होंने काफी देर बाद भी की, मैं भी देख रहा था। देखें उनको आप कुछ चीजों में नहीं चैलेंज कर सकते हैं और कुछ चीजों में कर सकते हैं। जिसमें कर सकते हैं, पहली तो आपको करनी चाहिए फॉल्स इक्विवेलेंसेस पे बहुत सारा। वो क्या है, उनकी एक बेसिक फॉल्स इक्विवेलेंस ये है कि वो हिंदुज्म और इस्लाम को वो एक इक्वेशन वाली बात हो जाती है, तो वहां पे हम उन्हें बहुत आराम से हरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फॉल्स इक्विवेलेंस होता है वो इस्लामिक मोमिन्स को और भक्त को बराबर कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती तो वही, वो है ही नहीं, ये हमें भी पता है। तो हमें पहले अपना आर्ग्यूमेंट वहां पे स्ट्रांग करना होगा, फर्स्ट पॉइंट। जैसे आज जो यति नरसिंहानंद जी वाला मैटर था, जो आसिफ वाला मैटर था, उस पर भी बहुत देर हारिस सुल्तान बात करता रहा, मतलब कहां धो झापड़ और कहां इतने लोगों का कत्ल हो गया, तो बहुत सी चीजें। दूसरी बात है कॉन्शियसनेस वाली जो बात है, जो वैदिक आर्य जी को मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से। देखिए कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल चीज है, इसको आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसीलिए दिक्कत होती है। कॉन्शियसनेस आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक उसका साइंटिफिक एविडेंस, देखिए वो साइंटिफिक एविडेंस मानते हैं, हम अपना मानते होंगे, ये हमारा राइट है, हमारा बेसिक प्रेमाइस ये है कि हम अपने धर्म को मानते हैं तो हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। किंगपिन जी एक मिनट जरा, मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस दे देता हूँ, आप भी थोड़ी रिसर्च करो ना। एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है उसका अभिनव यार, डेविड चार्मर, डेविड चार्मर, हाँ डेविड चार्मर साइंटिस्ट है। उसने ये कहा है कि न्यूरो साइंटिस्ट है वो, ये लो ये हो गया सैम हैरिस हो गया, एडवर्ड ब्राइंट हो गया। तो वो क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि देयर इज द हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। आर्य जी आपने सुनी है? हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं है कि कॉन्शियसनेस नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि देयर इज कॉन्शियस, देयर इज समथिंग हु विटनेस द एम्प्टीनेस, बट वी कांट प्रूव इट बिकॉज़ वी डोंट हैव न्यूरॉन्स टू प्रूव दैट। साइंस एग्री कर गई है कि कॉन्शियसनेस है। एक मिनट आप सुन तो ले पहले किंगपिन जी, आपको थोड़ा टाइम लगेगा। वो एग्री कर गए हैं साइंस कि कॉन्शियसनेस है जो एम्प्टीनेस को विटनेस करती है, वी कैनॉट प्रूव इट बिकॉज वी डोंट हैव न्यूरॉन्स टू प्रूव दैट। वो हाथ खड़े हो गए उनके, अब आपका टाइम है, कैश कर लो ये पढ़ के। वो आप कर नहीं रहे, कोई मैं ही कर रहा हूँ, आपका भाई एक मैं हूँ, एक अपने स्वामी सरप्रियानंद जी अमेरिका वाले, दो ही कर रहे हैं इस पे काम। इसको समझे आप सर, समझने की और लोग भी कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ना बोलो कि सिर्फ आप ही काम कर रहे हो, मैं और हमारे स्वामी जी कर रहे हैं सिर्फ दो। यार समझो ना मेरे भाई, वो चक्कर यहाँ पे आके फंस गया है ना। वो कहते हैं कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ये कहाँ से पता लगा आपको कि आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको डीप स्लीप हुई और आपको पता ही लगा नहीं हुई। इसके ऊपर ना कल भी एक आर्टिकल आया था 3 दिन पहले, इसके ऊपर एक बायो इलेक्ट्रिक कुछ, फिर ये क्वांटम फिजिक्स में जाके सॉल्व होगा ना ये सारे। यार हमारे तो आदि शंकराचार्य जी पहले ही कह के चले गए हम निर्विकल्प निराकार रूपम, तो हम किसको पकड़े। तो सर वो क्वांटम फिजिक्स ही तो है, अगर हाँ तो वो कह रहे हैं ना, हाँ वो तो हमने ही वो चीज कही थी। हाँ मैं कुछ नहीं हूं, मैं बोलूं? हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ देखिए, पहले फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात। देखिए इस चीज को समझिए,
कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस इज बेसिकली लाइफ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, 2.5 मिलियन. यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट सर, स्टिल नॉट अंडरस्टैंड. आप बोलिए प्लीज. सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात. हाँ, जो लाइफ फॉर्म है, ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो साइंसेज हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री. उसका जो सबस्ट्रेट है, जो ट्रीटमेंट ऑफ इट्स मैटर है, दैट इज नॉन लिविंग. बायोलॉजी जो हमारा बेसिक साइंस है, वो दैट ट्रीट्स लिविंग. इनका जो ट्रांजिशन है कि जिंदगी कैसे पहुंची, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, दैट जो इसका सबस्ट्रेट नॉन लिविंग है, टू बायोलॉजी. इसका एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे पाया है. ठीक है, जितने जो आप बता रहे हैं ना, ये सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन देखिए जब तक तो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको मान नहीं लेगी पूरी कि ये एग्जैक्ट चीज है, तब तक आप नहीं कंप्लीट कर पाओगे. सर आप समझ नहीं, आप यू डिडंट गेट द पॉइंट. तो नहीं, वो उसको भी आप नहीं बिलीव कर सकते. ये ऐसा नहीं बनता है. Why should I believe you then? मैं ये नहीं कह रहा मुझे बिलीव करिए भाई, मैं क्लेम थ्रो कर रहा हूं. एंड द डिबेट सर, क्योंकि मैं उसको सुनूंगा जो उस चीज का मास्टर है या जो फील्ड में काम करता है. सर मास्टर का रेफरेंस दे सकते हैं आप, मास्टर का रेफरेंस दे सकते हैं भाई, समझे ना आप किंग पिंग जी, आप समझे. वो साइंस उसको प्रूव करेगी जिसका कोई मटेरियल हो, कोई न्यूरॉन. इसको साइंस नहीं कहते हैं जब तक ग्लोबली अक्रॉस द बोर्ड साइंटिस्ट चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते. ग्लोबल को भी छोड़ो मेरे किंग पिंग जी, आप साइंस का बेसिक लॉजिक है उनको. बिग बैंग थ्योरी कैसे बनी? एक मिनट, उनको कोई फिजिकल एविडेंस चाहिए. यस और नॉट? एविडेंस चाहिए पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जिस चीज को एक्सेप्ट करती है, मेजॉरिटी में तब माना जाता है. आप एक सैम हैरिस का एग्जांपल दे रहे हैं. Sam Harris, तीन तो दे दिया मैंने आपको. अरे it is, this theory is not accepted worldwide. किसी ने नहीं accept किया. ऐसे बहुत से हैं जो quantum physics को उपनिषद से भी, ऐसे मैं 20 example दे सकता हूँ. सर उसके अगेंस्ट भी दे सकता हूँ. आप छोड़ो किंग बिंग जी, आप मेरे को बताओ ये कोई, छोड़ो सारी चीजें, सबको छोड़ दो. बिग बैंग थ्योरी पे आओ, कैसे एक्सेप्टेबल है? ओ, वो भी मैं भी बिग बैंग थ्योरी के मैंने क्या लेना यार, मैं उसकी बात कर रहा हूं. हमने कॉन्शियसनेस से आप बिग बैंग पे पहुंच गए. आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हेन दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट उसको मानते हैं यार, जिस दिन इसका फंडा, नहीं नहीं अभी जिस दिन उसकी डिस्कवरी हो जाएगी उस दिन फिर ये भी गूगल दे बंद कर देंगे बोलना. बस ये आपने बोला ना, ये सही पॉइंट है, ये सही पॉइंट है. आप समझे नहीं ना भाई मेरे, आपको ये तो प्रॉब्लम है ना भारतीयों की हमारे साथ, कि हमको हमारी जो सदियों सदियों से हमें जो गुलाम रखा गया ना, हम अपना इंटेलेक्चुअल भी खो चुके हैं. इट्स अ फैक्ट. यू एग्री टू मी और नॉट? आई एम 100% श्योर ऑन दैट. हां ये बात मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात पक्की है. ठीक है ठीक है, वो मैं पक्की, वो तो प्रूफ हो रहा है. अब बात ये बनती है कि किंग पिंग जी, आपको जागृत वर्ल्ड है, आपका अवेकिंग वर्ल्ड है, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो विद योर सेंसेस, ठीक है, स्मेल फ्रेंक व्हाटएवर. आपका ड्रीम वर्ल्ड है, आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो ड्रीम से, आपका ब्रेन इमेजिन कर रहा है, आपको सब कुछ दिख रहा है, हाँ हो रहा है, मजा आ रहा है या बुरा हो रहा है, उसकी आपको फीलिंग्स भी होती है. जब आपको कोई ड्रीम नहीं आता, हाउ डू यू नो यू डिडंट हैव अ ड्रीम? यहाँ पे क्वेश्चन है. या तो आप लोग कुछ यार अपनी तरफ से अपना थोड़ा एफर्ट डालें तो फिर मजा आएगा ना. फिर मैं एक तरह से बोल के तो बात नहीं बनेगी. रात को सपना नहीं आया? किसने बताया आपको? किंग पिंग जी छोड़ो ये बातें. अभिनव शांत शांत, हाँ जी, किसने बताया आपको? यार अब मैं जिंदा हूँ ये तो मुझे पता ही है ना, तो मैं तो लाइफ हूँ, आप भी लाइफ हो. सर वी डोंट बॉदर अबाउट यू जिंदा और नॉट, वी जस्ट वांट टू नो हाउ डू यू नो यू डिडंट हैव अ ड्रीम लास्ट नाइट. मुझे याद रहता है ड्रीम, अगर मैं कोई सपना देखता हूँ मुझे पता रहता है मैंने ये सपना देखा. अरे वो तो हमें पता है, वो तो न्यूरो साइंस को पता है मेरे भाई. जब नहीं आया तब आपको कहां से पता लगा? तब नहीं पता लग सकता. हाँ तो आप किसने बताया कि नहीं पता लगा? अरे सुबह अगर मेमोरी में रहेगी वो चीज तो पता लगेगा ना. तो मैं ये नहीं समझ रहा हूँ डिबेट क्या कह रहा है. एक मिनट, जो सपना आ गया तो हमें पता है, वो आपके न्यूरॉन्स है ब्रेन में जो इमेजिन करते हैं हमें पता है. आई थिंक हम डिविएट हो रहे हैं, पॉइंट ये नहीं है उनका. उनका ये पॉइंट ये है, आप बताओ आपके स्क्रिप्चर्स में ये चीज कहाँ दिखी? यार स्क्रिप्चर की तो हम यार हम वो भी प्रूव कर लिए, हमें वो चक्कर ही नहीं है. हमें सिर्फ इतना इस चीज का आंसर चाहिए कि व्हेन यू डिडंट हैव अ ड्रीम हु विटनेस्ड दैट. That's it. Nobody.
मेमोरी में तो कुछ था ही नहीं ना, तभी तो आपने एम्प्टीनेस विटनेस किया ना। था कैसे भाई मेमोरी में था कैसे नहीं? फिर आप जाके अपना ले लो नोबेल प्राइज, आप प्रूव कर दो इस चीज को, इस पे वो बेचारा फंसा हुआ सैम हैरिस। ये बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन हो गया, इस पे डिबेट ही नहीं होनी चाहिए भाई। मैं इसको कुछ कहना चाहता हूं, इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं, इधर यू बिकम अ न्यूरोसाइंटिस्ट और यू रीड आदि शंकराचार्य। देखिए मेरा सारा फोकस उनके आर्गुमेंट पे है, मेरा फोकस हमारे आपके डिस्कशन पे नहीं है, उनके आर्गुमेंट पे। किनके? वो अपने एथिस्ट के। हाँ उनका ये आर्गुमेंट है, सेल हो चुके हैं, उनके पास तो कोई आंसर ही नहीं है। लेट जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो किंगपिन आर्गुमेंट है, डिस्कशन और डिबेट के लेवल पे किंगपिन का आर्गुमेंट ज्यादा सही है, क्योंकि जब आप ये आर्गुमेंट देंगे कि जो डेविड शर्मा है वो कहता है हार्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो वो भी उसको प्रॉब्लम ही कह रहा है, उसने कोई एक सलूशन नहीं दिया। भाई वो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि इन आईज ऑफ साइंस टू प्रूव इट, क्योंकि उनके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। हाँ नहीं है ना, तो वो उस बात का भी नहीं है कि बट वो एग्री करते हैं कि देयर इज समथिंग यू विटनेस एम्प्टीनेस। हां तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 में से किसी का भी कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं है कि उसकी कोई भी बात इस चीज पे, हमारे पास कोई डिग्री तो है नहीं उसकी, ना हम कोई ऑथराइज्ड साइंटिस्ट हैं या दुनिया के 2% टॉप साइंटिस्ट में। बात समझिए, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड फेनोमेना होते हैं, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे के लिए नहीं। मेरे कुछ क्वेश्चन है, क्या है प्लीज बोलिए। हाँ हाँ, मैं देखो ये जहाँ तक कॉन्शियसनेस की बात और ये है ना, ये एक्सपीरियंस की बात है, और बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस से ज्यादा समझते हैं, हमें उसके लिए किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं रहती है। बस अब जैसे मुझे आप बताइए कि मतलब जो ये बायोलॉजी है या इसकी क्या जरूरत है इस यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्स में, मतलब जो ये जो हम जीव है सारे यूनिवर्स में जरूरत क्या है इसकी? हेलो, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। नहीं नहीं, बायो मतलब जो जितने भी हम जीव हैं इनकी यूनिवर्स में जरूरत क्या है? वो पूछ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी नेसेसिटी यूनिवर्स में क्या जरूरत है, हो भी सकती है। मेरे कहने का मतलब है, हम कहते हैं कॉन्शियसनेस जो है ये सिर्फ हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो इस कॉन्शियसनेस की यूनिवर्स जोशी ब्रेन ही है यार, डिबेट ही गलत हो गया। नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन, ब्रेन के न्यूरॉन्स के केमिकल रिएक्शन है। जोशी जी, ये नहीं कहते हैं, आप पहले उनका आर्गुमेंट तो सुनिए। एक सेकंड बोल लूं, हम लोग नहीं कहते, एक मिनट किंगपिन जी, जोशी जी हम नहीं कहते, इट्स इट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर ब्रेन, इट्स अ बाय, इट्स नॉट अ बाय। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन उठा रहे हैं ना कॉन्शियसनेस पे, मैं उनको ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ न्यूरॉन की केमिकल रिएक्शन है, मेरा ये क्वेश्चन है मतलब जो लिविंग बींग्स है उनकी यूनिवर्स में क्या जरूरत थी, मतलब सब नॉन लिविंग रहता सब कुछ तब भी यूनिवर्स ऐसे ही काम करता, फिजिक्स के लॉ ऐसे ही चलते रहते। नहीं नहीं है ना, ह्यूमन मतलब आपके दिमाग में जो ब्रेन है आप नहीं समझ सकते हैं उसकी यूनिवर्स में क्या इंपॉर्टेंस। ये रॉन्ग गाइस, गाइस गाइस, आई हैव टू फिनिश दिस क्विकली, लेट मी टेक आरडी सिंह जी। आरडी सिंह, हाउ आर यू? इसको इजीली इसको मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। बात यह है कि अगर आज हम अगर हमारे अंदर जिस कॉन्शियसनेस नहीं है दुनिया की, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो प्लांट्स उसको लेते ना, नहीं प्लांट्स की भी क्या जरूरत थी? ये कॉन्शियसनेस ही है जिसने की ये सारा जो हमारा जो है इवोल्यूशन, ये इसको जन्म दिया, कॉन्शियसनेस ने ही जन्म दिया। एक सिंगल सेलुलर में कॉन्शियसनेस कम थी, नॉन लिविंग थिंग्स में जो हमारे ये जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म तो कहता है नॉन लिविंग थिंग्स में भी एक लेवल का सर्टेन लेवल कॉन्शियसनेस है, वहां से वो जब इवॉल्व हुआ वो लिविंग थिंग्स में आया और वो होते होते आज हम इंसान हैं जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस है। इसका एक मकसद है, इसका एक मकसद है, बिना मकसद हमारे पास कोई कॉन्शियसनेस की कोई जरूरत नहीं थी इस यूनिवर्स। दैट्स फाइन जोशी, लेट मी स्पीक टू मिस्टर सिंह, हाउ आर यू आरडी सिंह जी? जी सर, नमस्कार सर, All good buddy. What do you want to add? एक लाइन मैं बोल देता हूँ। हम जैसे ट्री को, हम एक पेड़ को देखते हैं, ठीक है ना, एक एक वो सीड से बनता है और बाद में उसके बाद में आखिर में उसको फ्रूट्स आते हैं, उस फ्रूट का एक मकसद है नया ट्री को फिर से जन्म देना।
तो इसी तरह से कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर आई है और इससे जो ये ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हुआ है, इसका भी एक मकसद है। हमें वो मकसद नहीं पता, हम उसको एक एक हम उसको फिजिक्स के लॉ के अंदर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है कि हम कॉन्शियसनेस को नहीं समझ रहे हैं कि इसका मकसद क्या है। ऑलराइट, थैंक यू जोशी जी, मैंने तभी ये शॉर्ट रखी थी यार। हां मिस्टर सिंह, क्या करना चाहेंगे यार इस टॉपिक पे आप? सर टॉपिक ही आज दा देसी एथिस्ट, टॉपिक है यार देसी एथिस्ट, वो अपने पे इतना फोकस क्यों नहीं करते, हमारी उतनी उनकी क्यों, उनको हमारी इतनी क्यों टेंशन है? सर पता नहीं है, लेकिन सर ना ये जो आज मैंने सुनी है, जो जो तीन बैठे थे ना, गालिब, हारिस और वो एक और चवल जी, यार केड़ा चवल जी है यार, उसका नाम मैंने भूल गया, ह्यूमन बीइंग, पता नहीं बीइंग ह्यूमन इतने कुछ ना आया उसका। हाँ जी, उन्हें ना ते सर ना जेड़ा गालिब कमाल है ना, ये मैनु तो श्योर है कि ये पक्का क्रिश्चियन है सर, ये वो नहीं है, है नॉन अपना एथिस्ट नहीं हैगा, एक्शन है। बिकॉज़ सर क्योंकि मैनू पता है, क्योंकि सर ये जदों भी पंजाबी दे विच भी स्ट्रीम करदे है ना, ये सर इंडिया दे विच किसी रिमोट एरिया दे विच भी कुछ होया होवे ना, इहनू पता लग जांदा है। लेकिन कदी कन्वर्जन जिहड़े जलंधर दे विच जो भी हुंदा, वो बीमारियां ठीक करदे ने या कुछ भी कर रहे ने, है ना, वो कहिंदे हील कर रहे ने प्रेयर करके, है ना, कदी वो टॉपिक ते कदी भी, मैं दी पंजाबी स्ट्रीम भी सुनी है किन्नी वार, कदी भी इहने गल नहीं कीती सर, वो ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਬੀ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਪੀਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ, ਯਾ ਯਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੱਡ ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਮੀਨ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਯਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਗਾਲਿਬ ਦਾ, ਗਾਲਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹਾਰਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਲਿਬ ਡੈਡ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਐਥਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ, ਇਸੇ ਕੋ ਤੋਂ ਹਮ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਪਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੇਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਉਹ, 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਟੈਰੇਸਾ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਸਰ, ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੇਡੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਨਕੋਨਸ਼ੀਅਸ ਕੰਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਮੂਰੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨੀ, ਨਾਮ ਨੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੇ ਦਾ ਖੱਬੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸਰ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਐਥਿਸਟ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪ ਗੋ ਮੂਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਗੋ ਮੂਤਰ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲਤੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹਮ ਇਨਕੋ ਪਿਲਾਣੇ ਹੀ ਲਗੇ ਥੇ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਹਮੇ ਨਾ ਪਿਲਾਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੀਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਏਦਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਚੀਕ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਫॉर ਯੂਰ ਕਾਈਂਡ ਵਰਡਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। इनकी सुल्ताना जी एक न्यूज लेकर आई थी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने रेपिस्ट को शादी करने को कहा लड़की से, ये तीन तीन लोग बैठे, इन्होंने एक ने भी न्यूज को पढ़ने की कोशिश नहीं की कि वो न्यूज क्या थी, एक्चुअली लड़की खुद चाहती थी कि वो लड़का उससे शादी करे, और यही इसीलिए वो आई थी सुप्रीम कोर्ट में।
वेरी गुड पॉइंट, मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यही मैं कह रहा था। देखिए फॉल्स इक्विवेलेंस है, हमें फॉल्स इक्विवेलेंस को खत्म करना है, क्योंकि दे आर फीड, उनकी सारी फीडिंग लेफ्टिस्ट मीडिया से होती है और वही दिक्कत हो जाती है। हाँ तो ठीक है, तभी तो बैठे हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज सर, मेरे को चाहूंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता क्या ये मैं भी सही है उनकी। मैं एक बोलता हूँ कि मेरे को याद है अभी से ना, 2 महीने पहले एथिस्ट रिपब्लिक पे एक बीजेपी लीडर का स्टेटमेंट आया था कि मैं गौमूत्र मतलब मैं कोरोना मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं बचपन से ही मिट्टी और गोबर के बीच में पली बढ़ी हूँ। उसका रिलीजियस से कोई लेना देना नहीं था, वो बोल रही थी मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मेरा मुझे कोरोना नहीं होगा ऐसा उसका। मेरे को पता क्या लगता है यार, मैं ठीक बोलता हूँ को ये टॉपिक मैं हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं इसका सुन लो आप। हाँ मैं समझ गया इसका, ये वो वाले वो अपना ये वो थी वेस्टर्न यूपी से, मैंने ये नहीं नहीं एमपी की थी, एमपी की थी यार, उसके मैंने वीडियो बनाई है, शी इज राइट। मतलब उसका ना और बताओ। हाँ नहीं उसने बोला था, वो उसकी लैंग्वेज इस टाइप से सुनाई देती है, उसने बोला था कि मैं तो मिट्टी में गोबर में जन्म भय। तो उसका कहने का हमारा मतलब था जैसे हम बोलते नहीं कि वेस्ट में बोल देते हैं आई वाज बोर्न ऑन अ फार्म। इसका पॉइंट जो भी था ये लेफ्टिस्ट मीडिया ने भी उसको इस तरह लिखा कि अभी गाय तो बोला ही नहीं था उसने। हाँ नहीं हाँ उसने बोला था कि मैं मिट्टी में और गोबरों में और इतने गंदे प्लेस में पैदा हुई, नहीं बोला था उसने, गाय का गोबर मीडिया ने अपनी तरफ से जोड़ दिया था, नहीं बोला। हाँ उसने उसको अपने ही मीडिया मतलब इंडिया के मीडिया ने ऐसा पोर्ट्रे किया, फिर उसके ऊपर सबने वीडियो बना दी बिना कुछ जाने बुने। अच्छा तो सर मैं कुछ बोलूं, ये दो टॉपिक दो पॉइंट पे मुझे बात करनी है। ये जो कॉन्शियसनेस के बारे में चल रहा है तो इसकी एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं, एक है थ्योरी निकला है आर्च ओ आर रिडक्शन, ठीक है ओ आर सी एच ओ आर रिडक्शन, ये आप देखिए साइंस डायरेक्ट से मैं पढ़ रहा हूँ तो इस पे पूरी रिसर्च हो सकती है, हो चुकी है। ये बोल रहे हैं कि हमारे ब्रेन्स के अंदर माइक्रो ट्यूब्स होते हैं, उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते हैं, और ये पेनरोज जो इस साल की नोबेल प्राइज विनर है ना, ये इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, इनकी और हैमरोज की कंट्रीब्यूशंस है। और देखिए लास्ट लाइन में पढ़ता हूँ विदाउट गोइंग इन टू डिटेल, देखिए लास्ट लाइन क्या लिखता है ये साइंस डायरेक्ट में, ये लिख रहा है कि दिस इज सी द एग्जैक्ट लोकेशन। हाँ क्या बोल रहा है कि the DP form, DP form of arch reduction is related to fundamentals of quantum mechanics and space-time geometry, or so arch OR suggests that there is a connection between the brain's biomolecular processes and the basic structure of the universe. क्या बोला यहाँ पर कि जो हमारी brains में जो microtubes है वहाँ पर जो quantum fluctuation से जो consciousness produce हो रही है ना, उसका कनेक्शन डायरेक्ट कहां से, ब्रह्मांड से बोल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये दिस इज द हार्ड प्रॉब्लम, ये बोल रहे हैं कि ये जो फ्लक्चुएशंस क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहा है दिस इज नॉट आइसोलेटेड टू द ब्रेन, इट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। तो दिस इज व्हाट व्हेन वी इन संस्कृत व्हेन वी से कि अहम ब्रह्मास्मि, जो हम बोलते हैं ना कि हम पूरी कनेक्टेड है, तो ये यहीं पर चल रही। अच्छा दूसरी पॉइंट में बोल रहा था सर कि इनकी जो डिस्कशन चल रही है एथिस्ट लोगों की, स्पार्टकस और हमारी अत्री साहब और ये क्या नाम है चतुर्वेदी, तुफेल चतुर्वेदी, उनका एक लास्ट में एक वीडियो आया था कल परसों या 4 दिन पहले आया था, इसमें यही सेम टॉपिक आया कि ये जो एथिस्ट है ये लोग डिवाइडेड है, ये हैरिस सुल्तान और ये अपने कमल गालिब ये एक तरफ है और स्पार्टकस अलग तरफ है। ये लोग बोल रहे थे कि स्पार्टक इनकी जो प्रॉब्लम क्या है कि इनकी इन्फॉर्म डिस्कशंस नहीं रहती हैं, इनकी डिस्कशन जो रहती है शैलो रहती है, इन्फॉर्म नहीं रहती है, और सबसे बड़ी ये लोग खुद एक्नोलेज कर रहे हैं कि इनकी जो गलती है कि ये फॉल्स इक्विवेलेंस करते हैं बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो कि बहुत ही इररिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला है कि गुरुजी को उन्होंने कंपेयर किया मौलवी से कंपेयर किया, तो वो चर्चा सुनिए, तो ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, दे नो वेयर दे आर हेडिंग ऑन टू, हम बस उनको बता रहे हैं कि देखो ये जो आप कर रहे हो ये गलत है, एंड यस आई एग्री टू द ओवरऑल डिस्कशन कि ये एजेंडा से फील्ड है, सो हम भी चेंज नहीं कर सकते, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एंड लेट मी एक मिनट जस्ट, सॉरी यार मैंने जल्दी फिनिश करनी है। गौरव आप क्या कहना चाहेंगे, सॉरी यार एंड लास्ट की, हाउ आर यू? हेलो सबको, हां जी हेलो, आवाज आ रही है ना? आ रही है।
अच्छा वेजिटेरियन के बारे में बोलना था, जो नॉन वेज करते भी है ना, वो भी उसी जानवर का मांस खाते हैं जो बचपन से खाते आ रहे हैं, कुछ ऐसे जानवर का दे देंगे ना जो मैंने कभी सोचा ना तो मना कर देंगे, कहेंगे भाई ये घिन मर रही है, जैसे मगरमच्छ का दे दिया, केचुए का दे दिया, कोई भी ऐसा चीज दे दिया जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया, तो वो भी मना कर देंगे, तो डॉगमा उनका भी होता है, ऐसा बात नहीं है। और ये जो जो गुरु जी का अभी बोल रहा था, तो वैसे तो एक तो मैंने देख रहा था कि एक महेश योगी एक थे, उनका तो एक शिष्य था नोबेल प्राइज फिजिक्स का जीता हुआ था, तो उसको मौलवी से कैसे कंपेयर कर सकते, नाम उसका भूल गया हूँ, साइंटिस्ट का वो महेश योगी, तो अब तो शायद ये दीपक चोपड़ा और श्री श्री रविशंकर के भी शायद वही थे मेंटर, बस इतना ही ऐड कर। अच्छा गौरव, मैं इसमें एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, इसमें अगर आवाज आ रही है मेरी गौरव? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आपने बोला ना कि बचपन से नहीं खाते हैं डॉगमा होता, मतलब अगर नया मीट ला के दे देंगे, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि भाई मैं पला बड़ा पैसे वेजिटेरियन खाने में था, ठीक है, उसके बाद फिर तो मैंने मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन किया ना, उसके बाद घूमने हाँ हाँ खानी पड़ती मेरा भाई भी, मैंने इतना मीट खाया और कोई सा जानवर के साथ छूटा हो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, मैन वर्सेस वाइल्ड तो नहीं बन गया थे? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कि भाई डॉगमा, मतलब इसमें मैं बोल रहा हूँ मेरा उसमें भी डॉगमा नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं खाना, उसमें खाना शुरू किया था, तो फिर मैं चाइना में गया था कुत्ता भी खा लिया था मैंने, और फिर ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ कंगारू और क्रोकोडाइल उनके भी मीट खाए हैं, मैंने कछुए का भी मीट खाया था, ये कंबोडिया में चीटी का सूप भी किया था मैंने लास्ट वीक, तो फिर उसके बाद फिर ये उसके बाद मेरा कॉन्शियस डिसीजन है कि भाई बिल्कुल ही नहीं खाना अब मीट वीगन वाला, अब जाके मैं डॉगमेटिक हुआ, अब मैं मानता हूँ अपने आप को कि मैं डॉगमेटिक हुआ, अगर हाँ किसी किसी डेफिनेशन के हिसाब से शायद ना हूँ, लेकिन अपनी ही डेफिनेशन के हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि भाई डॉगमा क्या होता है कि जो चेंज आदमी चेंज करने पे अड़ा रहे कि भाई मैं चेंज नहीं हो रहा हूँ, मैं उसको डॉगमा मानता हूँ, तो उस डेफिनेशन में आपसे मैं खुद डॉगमेटिक हूँ इस मामले में, तो ये मैं बोल रहा था कि जरूरी नहीं कि आदमी अगर बचपन से नहीं खिलाया तो वो डॉगमेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता, वो चेंज भी हो सकता है, और मीट खाने का और ना खाने का कोई डॉगमा से मेरे को नहीं लगता कोई लेना देना है। मर्चेंट नेवी में गए थे तो करना पड़ता है शुरू में, अच्छा क्या कुछ भी तो नहीं खाते हैं जनरली, मैंने भी देखा है जो मुर्गे खाते हैं बकरे खाते हैं, उनको केचुआ दे दूंगा तो नहीं खाएंगे, वो मना कर देंगे इसमें। लेट गौरव स्पीक। एक चीज और, मैं इंस्पायर हो गया था ये मैन वर्सेस वाइल्ड से बड़ा, मुझे लगता है कि बस जंगलों में जाकर ना यही करना, तो मेरे को लगता है यार सामने जो भी आ जाए तो एक बार कछुआ लूटा कछुआ तो अपना, तो मैं उसमें उस मोड में चला गया था, मेरा वो मोड आया था कि भाई मेरे पापा बड़े डांटते थे साले ऊंट बावड़ा हो रहा है, साले जानवर भू खा ले जाता, नहीं नहीं महाराष्ट्र में ना दो कम्युनिटी है, मतलब एक प्योर मराठा एरिया में ना वो पिक का हंट करते हैं और खाते हैं, और कुछ लोग हैं और नहीं खाते, तो उनकी आपस में मैरिजेज नहीं होती क्योंकि वो पिक खाते हैं। तो यार ये तो बड़ा जगह होता है, वैद्य नॉन वैद्य वाले भी कहीं नहीं करते, ये कौन सी बड़ी बात है? सर मैं तो रहता है खाने में हूँ, आई मीन मैंने कभी पोर्क नहीं खाया, हालांकि मैं यहाँ पर यहाँ पोर्चुगल में ज्यादातर पोर्क चलता है या बीफ चलती है, मैंने जिंदगी में बनाता हूँ यहाँ पर, मैं टेल में काम करता हूँ किचन में, मैं बनाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी टेस्ट नहीं किया खुद, मैं पोर्क की कम से कम यहाँ पर 20 डिशेज हैं वो सभी बनाता हूँ, बीफ की बनाता हूँ वहाँ पे, मैंने आज तक जिंदगी में मैंने जिंदगी में कभी पोर्क नहीं खाया, बिना टेस्ट के बनाता हूँ। यार इतने अच्छे अच्छे रिब्स होते हैं उसके, उसको छोड़ दिए रिब्स खाओ पोर्क। आदत भी एक चीज होती है ना, बचपन से आदत भी लग जाती है। यार मैं तो कहूंगा तुम किसी जानवरों को जबरदस्ती मार के खा रहे हो, क्या बिगाड़ा जानवरों ने? क्या चीज? मैं कह रहा हूं किसी भी जानवरों को क्यों मार के खाना, अगर मतलब अगर भाई बच्चा छोड़ सकते हो उसको तो क्यों ही मारना है किसी जानवर? यार पहले आवाज नहीं आ रही आपकी भाई। ज्यादातर लोग टेस्ट के लिए खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, उनके पास ऑप्शन होती है, बट उनके वैसे एक नैरेटिव भी मतलब बनाया गया है इसका आरएसएस का, जैसे कि कुछ तालिबान जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है
और इंडिया को पता नहीं कौन सा, जबकि देखा जाए तो इनका कोई वर्जन नहीं है कि आपको इस वर्जन ऑफ शरिया को फॉलो करना है या इस वर्जन ऑफ हिंदुइज्म को फॉलो करना है, वो बस एक अपना उनका नेशनलिज्म का बस नेगेटिव रहता है यार। ये ना कि हिंदुइज्म को फॉलो कैसे करेंगे इंडिया में, बकवास कैसे बनाइए कि हिंदू वेज नॉन वेज नहीं, मैं हिंदू हूं भाई, मैं नॉन वेज खाता हूं, मैं मैंने कभी बीफ नहीं खाया, मैं चिकन खाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो गाल गाल के हिसाब से जैसे कोई तालिबान टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब जो पता नहीं क्या हो जाएगा, कई स्टेट में बीजेपी आ जाती है, कई स्टेट में हार जाती है। और सर बीजेपी आए कोई भी आए, ये चूज हमने करना ना, वहाँ के पीपल्स ने करना। ये पाकिस्तान में इनको को पेट दर्द हो रही है, ये एक ऑस्ट्रेलिया में बैठ के एक पे पेट दर्द होती रहती है, ये पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ। इंदिरा गांधी पता क्या प्रॉब्लम पता क्या है, इन्होंने खुद कुछ नहीं किया। इतने पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं सारे, आपके अब कितने इंडियन बैठे हुए पाकिस्तानी, अब रेशो वाइज उठा लो, इन्होंने क्या किया वहाँ पे, वहाँ पे जाके टैक्सी दिलाई है। मैंने कांग्रेस भी करती है इस तरह की हरकत, उन्होंने तो इतना पॉलिटिकल किलिंग और इतना कल्चर डेवलप कर दिया वहां पे बंगाल में, ज्यादा हत्याएं तो ये करते हैं कई बार। इंदिरा गांधी होती तो अभी तक गोली चला के फार्म साफ करवा देती तो वो बर्दाश्त करते थे प्रोटेस्ट, अब वो पता नहीं लोग बहुत गोल्डन एज था जैसे। एक्चुअली ना ये बात बिल्कुल तुषार ना एक बात बोलता बड़ी सही, ये खुद ही ना इतनी की मतलब क्लोज सोसाइटी से आए हुए हैं ना, इनको पता ही नहीं है कुछ भी कि है क्या, ये इनको लग रहा है कि इंडिया में भी यही सब कुछ चल रहा है, इनको नहीं पता कि लड़के लड़के यहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि लड़कियां कई बार ना झूठ झूठ मतलब बोल देते हैं कि इसने मेरे पे रेप का अटेम्प्ट किया, ऐसे ऐसे केस भी होते हैं यहाँ पे, इनको कुछ पता नहीं है इतना, ये समझ रहे पता नहीं हमारी वैसी लड़कियां ही हैं वहाँ पे भी इंडिया में भी बैठी हुई। गाइस आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, मैंने ये जल्दी खत्म करनी थी, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि बिफोर आई लीव गाइस आई जस्ट वांट टू शो यू वन वीडियो, इफ दैट कैन चेंज एनीवनस माइंड सो दैट विल बी ग्रेट, जस्ट अ सेकंड। Okay. What is positive from religion? It leads us to ideas such as fraternity, unity, oneness, compassion, and like a do you not find connections between what you have learned in neuroscience and what you have learned from studying sort of Buddhism? Oh yeah, yeah. Oh. The connections are very direct, but how they know that stuff? But we don't want, well, just because it's just the nature of consciousness. Is that you're talking about people who spent, especially in the Buddhist case, just an incredible amount of time studying from the first person side what experience is like, what its character is. The central claim of Buddhism, it's not just Buddhism, but Buddhism, and I would put several of the Indian traditions like Advaita Vedanta in there, with the central claim is that the self is an illusion. The ego is an illusion. And when I say self, I don't mean that people are illusions. I mean that the sense that you have a subject riding around in your head thinking your thoughts, right? Yeah. That there's a thinker in addition to the thoughts. That's an illusion. Yes. And that makes perfect sense neurologically. Does because it? there's no place in the brain for your ego to be sitting. There's no central place where everything comes together. There's no unchanging center in the brain. You're just talking about a cascade of neurophysiology, and everything is distributed everywhere. And it's not, and there are various parts of the brain that are coming online and off and subserving conscious states and not. It's a process. And if you could experience consciousness as a flow of sensory and emotional and interoceptive experience without the sense that there's an unchanging center riding around on that flow, right? Oh. Like a man in a boat on the stream of consciousness. Yes, yes. If you could experience that consciousness without that, that would be an experience that is much more coincident with what we understand neurologically. That would be to experience something that
is more true from the third person brain based, what do we see inside the head side? And it just so happens you can experience that. That is what meditation is like when you really know how to meditate. This sense that there's a meditator in the head strategically paying attention to experience rather than just pure experience, that drops away, right? So this is one piece of data in favor of introspection here. And it's not a piece that the Western intellectual tradition or the Western spiritual tradition ever got a good handle on. I mean, so yes, you can find specific Christian and Jewish and Muslim mystics making these noises, but when they make these noises sufficiently, they start to sound like Buddhists, and their co-religionists want to kill them rather often, right? Yes, so and not only the co-religionists, the powerful entities within nation states and economic entities. Like, if people start believing they're not individuals, it's very hard to market at them. All right, guys. So, ये थे हमारे Sam Harris जी जिन्होंने explain किया, and I hope people those gonna watch this video later will get some idea out of it. Like, you know, कुछ idea उनको मिलेगा, and will help them in future. All I wanna say from this stream, कि भाइयों, कि like, you know, if she such an intelligent woman from Pakistan wrote for us India this such a beautiful poem in 1996, nothing difference till we India have achieved more than. Well, अगर वो उसकी पोएम सही होती तो अब तक तो हम बट जाते, हम नहीं बटे. सो दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट देयर विश इज. दे वांट टू बी लाइक अस बट दे कांट बी. दैट्स द प्रॉब्लम. नहीं तो बटेंगे तो ये ना पाकिस्तान चार भागों में. वो अपने पता नहीं लगे हुए लोग. अच्छा, और नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि तिब्बतियन बुद्धिज्म क्या है सर. मतलब मैं एक बात पूछूं, इन्हें ये जो पोएट्री कर रही थी, इन्होंने मुस्लिम सोसाइटी के उत्थान के लिए कुछ किया यूसीसी के लिए या कुछ? उसको तो यार खुद निकाल के उन्होंने फेंक दिया उसको पाकिस्तान से इंडिया में 7 साल तो सालम में रही है. तो इंडिया में कुछ किया मुस्लिम सोसाइटी में? ट्रिपल तलाक के दिया क्या करना इनको? एक 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 काम किया ना, मैं पीठ पे चूल्हा घोप दिया ना. देखो इनको दे जेलस फ्रॉम इंडिया गाइस. इंडिया फाउंड वैक्सीन फॉर कोविड. को जोक थोड़ा ना, इनको कोई भीख में नहीं दे रहा. Like, you know, see the level. So, they're jealous. And they are patriotic. Fair enough. They're Pakistani people are patriotic. No, nothing wrong in that. But such a bole. Sorry? I'm not feeling very well. I'm a heavy cold. Rohit, do you want to add something at the end? Then we finish here, please. कल बात करेंगे. अरे सर, कहां 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 उनको बुलाइए सर, मैं तो उनके लिए आया हूं. हेलो, किनके लिए आया? फेवरेट वो है ना, एंटीनेटल. अरे वो सर, मैंने बोला था ना. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, बस 2 मिनट. तिब्बतियन बुद्धिज्म में क्या है रोहित? तू अपनी बात कर यार, छोड़ उनको प्लीज. तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है ना, वो तांत्रिक ट्रेडिशन है. बाकी तो मैं अच्छा बात करनी है तो मैं एक स्ट्रीम लिंक शेयर कर रहा हूं प्राइवेट चैट में, वहां आ सकते हैं आप लोग. आप प्लीज अपने आप भी आ जाओ सर वहां पे. मैं यार न्यू जिनको 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 आना आओ, मतलब इनको अबे उनका पहले टॉन्सर भी ठीक कर ला बनो यार. कोई बात नहीं, मैं समझ गया अंकुर जी, ले आऊंगा कल वो का. सर जी, तुषार सर जी, आप पानी में गुनगुने पानी में नमक डाल करूंगा. ऋषि जी मैं करूंगा. थैंक यू वेरी मच. आप देखिए कुछ नहीं करना इन्होंने गरम गरम पानी में वोट कर नहीं. रोहित तू यार, अब मेहता साहब, यू वांट टू से एनीथिंग इन द एंड? नथिंग एट ऑल. मैं तो बस हाई बोलने आया था. नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर कि प्रोपेगेंडा बड़े जोरों पर है. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पूरे पीक पर चल रही है, तो उस हिसाब से फिर हम लोगों को भी सामने आकर उसका ये करना होगा उसको. बस यही कहना चाहता हूँ. एक बात है, पाकिस्तानी ना वैसे सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहते हैं,
चाहे इनका इमरान खान है, चाहे ये फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, जहाँ पे भी है ये रहते एक्टिव है ना पूरे। हाँ सब चल रहा है इनकी चलती। हाँ बोल ले। तुषार तुषार को जान रहा है, देखो उसके पूछनी शक्ल देख। गाइस यू नो प्रॉब्लम आई नीड सम मेडिसिन गाइस थैंक्स फॉर कमिंग एंड आई विल सी यू टुमारो गाइस ओके बाय बाय सी यू बाय 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 बाय।